चलिए, क्या हुआ? हमारे हमारे चीफ गेस्ट ने ज्वाइन किया। सर आ गए हैं सर। अच्छा, और आ चुके हैं सर। अच्छा, को तिवारी सर को प्रणाम। हेलो, क्या वाइस सर? वीसी सर ज्वाइन कर चुके हैं सर। ओके, नमस्कार। ओके, सर नमस्कार। सर माइसेल्फ आनंद शंकर सर, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है। शुक्ला जी नेपाल से जुड़ चुके हैं, नेपाल से न्याय पाने से। हाँ हाँ, जुड़ चुके हैं। मैम काशीनाथ सर हैं यहाँ पर। काशीनाथ जी हैं? ओके। अपने भाई चांसलर साहब की आवाज आ रही है तो मैडम इमीडिएट उनकी वो स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर दूं मैं? चलो ओके। काशीनाथ सर प्लीज। हाँ बोले। यस, हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते 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 नमस्ते। शुभमस्तु। जी ओम शरदिंदु सरुचेतसी सामेगी राम देवी अपहृत्य तमः संततम् अखिलान प्रकाशयतु। हे माँ सरस्वती, शरदकालीन चंद्रमा के समान धवल कांति वाली सरस्वती समस्त अज्ञान को दूर कर आज इस संगोष्ठी में आप सर्वत्र आलोक करे। माँ समस्त सुधि वृंदों को, गुरुजनों को, डॉक्टर अनिता से का प्रणाम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जहां संपूर्ण विश्व COVID-19 अर्थात कोरोना के उपशमन हेतु प्रयत्नशील है, वहीं पर आज ईश्वर शरण पीजी कॉलेज वाइडर एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज संस्था के साथ मिलकर आज एक साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। उस संगोष्ठी के माध्यम से COVID-19 के उपशमन का कोई ना कोई तत्व ढूंढा जाएगा। निश्चित रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल होगा, इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। इष्ट की प्राप्ति हो, सर्वत्र व्याप्त अनिष्ट का विनाश हो, इसीलिए कार्यक्रम का शुभारंभ मैं सरस्वती वंदना से करना चाहूंगी। इसके लिए मैं अपने ही शोध छात्रा ऋचा शर्मा को आहूत करती हूँ। ऋचा शर्मा, पूरे वातावरण को अपने राग से आप आलोकित करें। ऋचा शर्मा। समस्त गुरुजनों एवं विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिव्या शुक्ला इसी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्मामयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्मामयी जय वागीश्वरी। शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले।
जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमाम जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमाम धन्यवाद धन्यवाद बेटा आपने बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया सबको बहुत बहुत आशीष आपके लिए शास्त्र कहता है किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस पे प्रवृत्ति लगने के लिए मेरी उसके अनुबंध चतुष्टय को जानना अत्यंत आवश्यक है ये अनुबंध चतुष्टय है क्या कहते हैं प्रवृत्ति विषयकत्वम ज्ञानम अनुबंधत्वम जिसको जानने से किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है उसे अनुबंध कहते हैं ये अनुबंध चार हैं विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन आज जिस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इसका क्या है तो इसको आवश्यक है विषय है द रिवाइवल ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव एंड लाइफस्टाइल टू कॉम्बैट COVID-19 पेंडेमिक अर्थात इस COVID-19 के उपशमन हेतु भारत दृष्टिकोण और जीवन शैली का पुनः प्रवर्तन इसका अधिकारी कौन है इसके अधिकारी समाज के वो समस्त जन हैं जो आज COVID-19 से अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं साहित्य के माध्यम से वो जानने का प्रयास करें क्या साहित्य भी इस तरह के रोगों के उपशमन का कोई निदान है वो सभी इसके अधिकारी हैं इस को करने का तो प्रयोजन क्या है क्योंकि बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्ति होती ही नहीं है प्रयोजन को भी जानना आवश्यक है तो वेदों में कहा गया है वयम राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिताः अर्थात राष्ट्र के लिए हमें जागरूक होना चाहिए ये COVID-19 केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं अपितु राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी हमें जागरूक होना है कि किस प्रकार हम अपने आप को इस विषाणु से अपने आप को मुक्त कर सके इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का ही विषय है उद्देश्य है शास्त्र की परंपरा ये भी है कि जब हम किसी विषय का चयन करते हैं तो उसके लक्षण की समीक्षा भी होनी चाहिए द रिवाइवल ऑफ इंडियन लाइफ स्टाइल इस विषय का यहाँ पर औचित्य क्या है क्या समय के अनुसार वो प्रासंगिक है जी हाँ निश्चित रूप से है क्या भारतीय संस्कृति क्या समाप्त हो चुकी है लुप्त हो चुकी है जो है पुनः प्रवर्तन कर रही है जी हाँ समाज में ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा चरम को प्राप्त हुआ यदि हम माने तो क्या ये किसी राष्ट्र के विद्वेष बुद्धि की परिकल्पना नहीं है कोरोना यदि मैं मीडिया की बात मानू तो और अगर यही बात है तो फिर हमें उस भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा पुनः पूरे विश्व को स्वीकार करना होगा जहां कहा गया है समानी वह आकृति समाना हृदयानि वह समानमस्त वह मनः यथा वह सुसहासति मेरे मन विचार मेरा हृदय सब एक समान हो यदि सब एक समान है तो इस प्रकार के विद्वेष की बुद्धि कहाँ से आ सकती है जो किसी के विनाश पर अपनी आधारशिला को स्थापित करना चाहे इसीलिए भारतीय दृष्टिकोण को एक बार जीवन शैली को अपनाना ही पड़ेगा दूसरा भी मूलभूत बिंदु है जिसके कारण मैंने इस विषय का चयन किया दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम पुरुषार्थी बने पुरुषार्थी यानी धर्म अर्थ काम के द्वारा काम और धर्म अर्थ दोनों धर्म पर ही हमारा आश्रित होना चाहिए इसीलिए हमने धर्म का पहले प्रयोग किया अर्थ भी संग्रह करे तो हम धर्म पूर्वक काम भी करे कामनाओं का भी प्रयोग करे तो धर्म पूर्वक इन समस्त के आगे धर्म
रोकने का अभिप्राय ही यही था। और जब ये तीनों ही हमारे धर्म के अनुसार होने लगेंगे तो मोक्ष तो अपर लिमिट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान तो स्वतः प्राप्त होने लगेगा, उसके लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम आज अर्थशास्त्र की बात माने, जहां पर सिद्धांत माना गया है कि जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो प्रकृति स्वयं ही इस प्रकार का आपदा लाकर, या कहिए सुनामी लाकर, इस प्रकार की महामारी लाकर जनसंख्या पर वो नियंत्रण, तो क्या संस्कृत वाङ्मय में भी ऐसा नहीं कहा गया? प्रकृति के साथ हमें अपना सौम्य भाव रखना चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक रूप कितना सुंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्कंद पुराण का मैंने अध्ययन किया कि देखिए स्कंद पुराण के कुछ ऐसे विशेष तत्वों को दिया गया है जो हमारे लिए वातावरण को शुद्ध करता है। प्रत्येक कीड़े मकोड़े से का अपना उचित उचित स्थान है। देखिए परम पिता ब्रह्मा ने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम 20,00,000 प्रकार के वृक्षों की रचना की। इसके लिए उन्होंने कहा स्थावरम 20,00,000। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने 9,00,000 प्रकार के जल जीवों की रचना की। फिर कहा उसके लिए जल चरम 9,00,000। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति की रक्षा हेतु 11,00,000 कीड़ों की रचना की। कृमिश्च रुद्र लक्षम। वनों की रक्षा हेतु 4,00,000 वन्य जीवों की रक्षा की। तो कहा उन्होंने चतुर्थम च वानराः। सृष्टि के संतुलन हेतु 30,00,000 प्रकार के पशुओं की रक्षा की। 30,00,000 पशु नाम। वायुमंडल तथा वातावरण की शुद्धि हेतु 10,00,000 पक्षियों की रचना की। तत्पश्चात जाकर परम पिता ब्रह्मा ने मानव की रक्षा की रचना की। यानी मानव की रचना से पहले मानव के शुद्ध वातावरण की शुद्धि के लिए इन्होंने प्रकृति के समस्त तत्वों की रचना कर दी। तो क्या आज हमारी मेरा दायित्व नहीं है इन प्रकृति के साथ हम अपना सौख्य भाव रखें? ये प्रकृति ईश्वरीय एक स्वरूप है, उसी का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। प्रातः उठते ही सबसे पहले हम पृथ्वी पर जब पांव रखते हैं, पहला पांव रखते ही पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, आज भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माता है, माता भूमि, पुत्रो हम पृथ्व्याः। वही संस्कृति क्यों? क्योंकि माता हम जैसे करोड़ों मनुष्यों करोड़ों जीवों के बोझ को वहन करती है। तो ये हमें अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इन संस्कृति से परिचित होना पड़ेगा कि किन किन चीजों को अपनाए ताकि प्रकृति के हम समत्व भाव को हम प्राप्त कर सके। प्रकृति से के लिए हमें निरंतर उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रकृति भी हमारे तरह हंसती है, वो भी रोती है, वो उसकी भी वेदना है, लेकिन अभिव्यक्ति का वह स्वरूप उसके पास नहीं है जो मानव के पास है। इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारी जो विचार है, जानते हैं समय बदल रहा है, समय के साथ हमें प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनल होने के साथ ही हमारे विचार का न्यू आध्यात्मिक भी होना चाहिए। हम दूसरों के विनाश पर अपने चीजों को, अपने न्यू को कभी भी मजबूत करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारा हमारी संस्कृति ही ऐसी नहीं है। इन सब के लिए भारतीय जीवन शैली को, उस दृष्टिकोण को अवश्य देखना पड़ेगा। इस क्वारंटाइन ने हमारे अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही अव्यवस्थित कर दिया है। ये अर्थव्यवस्था पुनः किस प्रकार सुदृढ़ हो? कौटिल्य के समय भी क्या था? क्या उसके आधार पर क्या हम कुछ इस प्रकार का कोई समावेश कर सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की कई विचारों का आज हम समाधान करेंगे? इसी उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर हरिदास शर्मा सर। सर मैं आपका क्या परिचय दूं? आप केवल भारत के, आप विदेश के भी विश्वविख्यात आप कवि हैं। प्रतिदिन फेसबुक लाइव में आप कोरोना को लेकर जिस प्रकार पद्य रचना कर हम लोगों को सुना रहे हैं, निश्चित रूप से सर हम लोग बहुत धन्य भाग है कि ऐसे गुरु चरण में हम लोग हैं। मैं सर आपका, आपकी तो अनेक राष्ट्रपति सम्मान
सम्मानित भी हो चुके हैं। इतनी बड़ी पदवी पाने के बाद भी सर आप इतने सामान्य हृदय हैं। एक आवाहन पर एक निवेदन करते हैं सर, मैं आपका हूँ, आज अध्यक्ष के रूप में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे कुलपति महोदय हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। कुलपति महोदय प्रोफेसर आर तिवारी सर, सर आप दिख तो नहीं रहे सर, चलिए 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 आगे चलिए। हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय हम सब कर आपने इसके महत्व को बहुत अधिक बढ़ाया सर, सर हम आपके कृतार्थ हैं। तत्पश्चात हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शशि तिवारी मैडम, जो आप वेव्स की प्रेसिडेंट हैं, वेव्स की प्रेसिडेंट होने के अनंतर भी आपका इतना बड़ा अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति दोनों ही अद्भुत है। जिस प्रकार आपने एक बड़ी बहन के समान हमें अपना एक शरण दिया, आश्रय दिया, जिस प्रकार सहयोग किया, मैडम मैं आपके प्रति भी बहुत कृतार्थ हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं नेपाल से हैं सर आप प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने सर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर, डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम नेपाल। सर मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। अब अंत में मैं कीनोट स्पीकर हमारे बीज वक्ता हमारे कर्मयोगी प्राचार्य, जिनको आज तक पहले कर्मयोगी कहा था लेकिन वो कर्मयोगी के साथ ही साथ वो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं, जो उन्होंने पद पद पर सिद्ध किया है, जिन्होंने हमेशा चुनौतियों के साथ लड़ना सिखाया है और लड़ते हुए आगे बढ़ना सिखाया। ऐसे यशस्वी प्राचार्य आज बीज वक्ता के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। सर हम आपका प्रसन्न परिवार की ओर से, सभी की ओर से, वेव्स की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर, पहले मैं ब्लेसिंग के लिए अपने कुलपति महोदय प्राचार्य सर आप पहले सबका स्वागत कर लीजिए। सर मैं आपको निवेदन करती हूँ कि एक बार औपचारिक स्वागत आपके द्वारा हो जाए सर। धन्यवाद धन्यवाद अनिता जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन इतने महत्वपूर्ण विषय के साथ किया। आज दुनिया को इतनी इसकी आवश्यकता कितनी ज्यादा है ये हम इस दो दिन की संगोष्ठी से जरूर समझ पाएंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष मैं प्रोफेसर शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ अपने कॉलेज परिवार की ओर से। आप तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, जब भी हमने आग्रह किया आपने कभी आग्रह को ठुकराया नहीं, हमेशा आपने आशीर्वचन दिया, पाथेय दिया, हमेशा हमारे बीच आप उपस्थित रहे। आज इस अवसर पर भी हमारे बीच आप उपस्थित हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। सबसे खुशी की बात है और ये हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आह्लाद का विषय है कि आज हमारे सम्माननीय समादरणीय कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दरमियान ये हमारी चौथी संगोष्ठी है, तीन हमने नेशनल वेबिनार किया और अनीता जी के अतिशय उत्साह के कारण ये हम इंटरनेशनल सेमिनार भी आज करने में सफल हो रहे हैं। ये दिस इज आवर फोर्थ प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड और एक नेशनल डिबेट हमने बहुत बड़ा किया जिसमें देश भर के छात्र हमारे इस डिबेट में शामिल हुए थे और 28, 29, 29-30 मई को हमारा पांचवा एक सेमिनार आयोजित है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कुल मिलाकर के जब इस लॉकडाउन का समापन होगा तो हम पांच राष्ट्रीय संगोष्ठी और इंक्लूडिंग अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं सर, क्योंकि आपने मेरे दूरभाष के आग्रह पर हमने फोन किया और सर ने कहा कि लिंक भेजिए, मैं सुबह 3 बजे आपको ज्वाइन करूंगा। और किस तरह से एक शिक्षक, महान शिक्षक कैसे हमेशा अन्वेषक होता है, छात्र होता है, ये प्रोफेसर तिवारी जी के आचरण से ठीक 3 बजे आपने ज्वाइन कर लिया हमारे पोर्टल। आपका महाविद्यालय पर बहुत ही सानिध्य रहा है, न जाने केवल कंप्यूटर साइंस की मैं बात नहीं करता, हमारे यहाँ बीबोक से लेकर के तमाम विषयों की संबद्धता में आप साक्षी नहीं रहे बल्कि हमारे सहभागी रहे
और आपके नाते, आपके उस उर्वरक आशीर्वाद और सहयोग के नाते महाविद्यालय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है सर। आज हम आपका आशीर्वाद पाएंगे, हम बहुत अनुग्रहित हैं और आपका बहुत सम्मान और स्वागत करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू मैडम शशि तिवारी जो हमारी को पार्टनर हैं इस सेमिनार की, और अनीता जी जितनी महत्वपूर्ण हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है शशि जी। लगातार अनीता जी के साथ लग करके इस सारा कलेवर सेमिनार का उन्होंने तैयार किया। प्रोफेसर तिवारी जी के प्रति मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, ही इज फ्रॉम नेपाल, प्रोफेसर काशीनाथ न्यापाने जी, एंड ही इज डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। सर, नेचुरली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव लाइक यू पीपल, एंड वी आर एनफ फॉर्चुनेट टू हैविंग सो मेनी फॉरेन स्कॉलर्स विद अस, लाइक काशीनाथ न्यापाने फ्रॉम नेपाल, प्रोफेसर बलराम सिंह डायरेक्टर वेब्स यूएसए, प्रोफेसर नरसिंह पंडा आईसीएसएसआर चेयर शिल्प कॉर्न यूनिवर्सिटी बैंकॉक, एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस। वी हैव प्रोफेसर शिव कुमार चतुर्वेदी द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलम्बस यूएसए, डॉक्टर विवेक तिवारी फ्रॉम ही इज सीनियर डायरेक्टर इंटेल कॉर्पोरेशन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, इंद्राणी राम प्रसाद इंडिपेंडेंट रिसर्चर फ्रॉम ट्रिनिनाद। वी हैव सो मेनी स्कॉलर्स एंड दे विल बी ज्वाइनिंग अस ऑन देयर गिवन शेड्यूल। रियली आई एक्सटेंड माई वॉर्म वेलकम, माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर, बिकॉज यू हैव गिवन अ वेरी हैप्पीली कंसेंट टू बी विद अस। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स, all these speakers who is from India, who is from outside, sabhi jitne bhi sammanit hamare yahan participants hain, jo resource person hain desh videsh se, desh ke kone kone se aur bahar se bhi, un sabhi ka bahut samman karte hain, bahut abhivadan karte hain aur bahut abhinandan karte hain apni taraf se bhi aur apne college fraternity ki or se, aur ek bar punah professor tiwari ji ka और आज के इस उद्घाटन सत्र के सभी सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। धन्यवाद सर। मैं माननीय कुलपति महोदय से उनके आशीर्वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ सर, आप सबको आशीर्वचन के द्वारा कृतार्थ है सर। धन्यवाद। आई होप आई एम विजिबल। अनीता जी ने बताया कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं सबको देख पा रहा हूँ। सर नहीं, यू आर विजिबल और एंड ऑडिबल दोनों हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता था क्योंकि अनीता जी ने कहा कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हरिदत्त जी को आज इस वेबिनार में प्रत्यक्ष देख पा रहा, प्रत्यक्ष तो नहीं कहूंगा, इस माध्यम के थ्रू देख पा रहा हूँ। नमस्कार। हमारा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है इस वेबिनार के सभी पार्टिसिपेंट्स, काशीनाथ जी, आनंद शंकर जी, अनीता जी जो आज का आयोजन कर रही हैं अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का, सभी प्रतिभागियों को सर्वप्रथम हमारा नमस्कार। इस तकनीक टेक्नोलॉजी के विकास ने ही ये संभव कर पाया है, किया है कि हमें पहले डेस्कटॉप से हम लैपटॉप और फिर आज स्मार्टफोन जो कि पाम टॉप है उस पे आए, नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया, मोबाइल कंप्यूटिंग आई, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आया, जिसके थ्रू ये सब संभव हो पाया जो आज हम इस संकट के दौर में वर्क फ्रॉम होम और ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू किसी तरह पढ़ाई खत्म करने की बात हम लोग कर पा रहे हैं, वेबिनार्स का आयोजन हो पा रहा है। मैं ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पे IEEE या ACM के किसी न किसी वेबिनार से जुड़ रहा हूं, और ये है तो बहुत संकट का दौर, लेकिन इस संकट के दौर में बहुत सारी चीजें बहुत सहज ढंग से बहुत एजेंसीज ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, इतना कुछ उपलब्ध कराया कि उसको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। So that is another aspect of this COVID-19 pandemic. इस समय हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से पढ़ाई होगी। हम लोगों ने सारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कई लोग तो इस तरह के माध्यम से
वाकिफ नहीं थे कि इस तरह से भी पढ़ाई संभव हो सकती है, पर लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सारी फैकल्टी का सभी जगह मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, जो टेक्नोलॉजी से उतने फेमिलियर नहीं थे, उन्होंने भी जूम से, गूगल क्लासरूम से, बाद में अभी 17 अप्रैल को एक से नमस्ते करके एक इंडियन सॉल्यूशन आया, वो बड़ा अच्छा है। ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू कम अप टू द लेवल ऑफ जूम। अभी 50 लोग जुड़ पा रहे हैं, आगे संभवतः 100 लोग उसमें भी जुड़ पाएंगे। तो हम लोग इन माध्यमों का प्रयोग करके काफी कुछ हम लोगों ने किया है और करने का आगे प्रयास है। वेबिनार इस COVID-19 पैंडेमिक के समय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने एक इंटरनेशनल वेबिनार कराने का जो सोच रखी, ये बहुत सराहनीय सोच है। और मैं अनीता जी को और प्रिंसिपल साहब को इसका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया। सभी से हम अपने विश्वविद्यालय में भी अनुरोध कर रहे हैं और कई विभागों ने इधर किया भी है। अभी मोनिर्भर ने भी एक वेबिनार का आयोजन किया है, उसके पहले इकोनॉमिक्स विभाग ने किया था। तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है कि इस समय हम लोग किसी तरह से एकेडमिक गतिविधियों को इस तरह से एड्रेस कर पा रहे हैं। एज ए टीचर हम सभी जानते हैं कि चॉक एंड टॉक या फेस टू फेस टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके जो क्रिटिक हैं इस तरह के टीचिंग के, वो कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूड एजुकेशन है और फेस टू फेस के बिना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास कोई और विकल्प है इस समय, इस महामारी के समय, जब हम लगभग अपने 20 से 3.5 लाख लोगों को खो चुके हैं, लगभग 55-56 लाख लोग ग्रसित हैं हमारे देश में, लगभग 1.5 लाख लोग ग्रसित हो चुके हैं इससे बावजूद लॉकडाउन के, जो हम लोग 24 मार्च से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छी बात यही है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट थोड़ी सी बेहतर है और जगह से। तो इस महामारी ने हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है। परेशानियां तो है ही हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच से हम किस प्रकार निकल सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, ये सब हम लोगों को देखना है। क्योंकि परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ हैं, हम लोग उसी परेशानी में किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, ये मार्ग हम लोगों को देखना है और उस मार्ग पे आगे बढ़ना है। विश्वविद्यालय में चूंकि जो हम जानते हैं कि आज भी डिजिटल डिवाइड है और रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो कुछ छात्रों को दिक्कत हो रही थी। तो काफी सोचा हमने इसके ऊपर और बहुत समय से मैं जो टूल्स हैं, वेब 2.0, वेब 3.0 जो फ्रीली उपलब्ध हैं, उसको एक्सप्लोर करता रहता था। फिर जब हमने देखा कि MNNIT भी मॉडल प्लेटफॉर्म पे एक सोल्यूशन ले आया है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो इमीडिएटली मैंने अपने छात्रों के साथ प्रयास करके उस मॉडल प्लेटफॉर्म पे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विश्वविद्यालय का लॉन्च किया। मैं आभारी हूँ सभी शिक्षकों का। सबसे हमने अनुरोध किया पत्राचार के माध्यम से कि लोग अपना मटेरियल डेवलप करें और प्रोवाइड करें, ताकि जो छात्र जिस समय नहीं जुड़ पा रहे हैं क्लासरूम से, वो मटेरियल उनको उपलब्ध हो, जो जिस समय वो जुड़ पाए कहीं से, ये वेबसाइट पे मटेरियल जब रहेगा तो वो उसको ले करके अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और आगे शिक्षक के साथ जुड़ करके अगर कहीं उनकी क्वेरी है तो शिक्षक उनको एड्रेस करके उसका समाधान प्रोवाइड करेगा। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज तमाम विभागों के विभागवार लर्निंग मटेरियल विश्वविद्यालय के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोडेड हैं। अभी जब आप उसको विजिट करेंगे तो संभवतः पाएंगे कि सब मटेरियल उस लेवल का नहीं है, लेकिन ये बड़ा संकट का दौर था। जिन लोगों ने हैंड रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया, कुछ आप पाएंगे कि उन्होंने अपने कैमरे के कैम स्कैनर से स्कैन करके उसको डाला, तो वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया इस समय, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत अभी इस समय चॉइस नहीं थी। लेकिन आगे हमें पूरा विश्वास है कि सारी फैकल्टी के प्रयास से ये माध्यम और सुदृढ़ होगा और जो आगे मटेरियल आएंगे वो बहुत अच्छे फॉर्म में आएंगे, और कोई इस फॉर्म में नहीं उपलब्ध होगा जो या तो हैंड रिटन हो या इस तरह से स्कैंड हो। तो एक इस चैलेंज को हमारे यहाँ की फैकल्टी ने, पूरे विश्वविद्यालय की टीचिंग फ्रेटर्निटी ने इसको एक्सेप्ट किया और इस पे काम किया। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं डिजिटल डिवाइड का। सरकार सब प्रयास कर रही है कि डिजिटल डिवाइड को किस प्रकार एड्रेस करे। हाई स्पीड इंटरनेट, रिक्विजिट डिवाइसेस जो चाहिए इस तरह के माध्यम से टीचिंग के लिए, वो किस तक लोगों तक पहुँचाए। और आपने भी देखा होगा
मिनिस्ट्री ने एक बड़ी पहल करी है, जो अभी उन्होंने 12 नए चैनल, 3 चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे टीचिंग के लिए, 12 और नए चैनल उन्होंने जोड़े, टोटल 15 चैनल आगे आने वाले समय में हो जाएंगे। 200 पुस्तकें जो और माध्यम थे उनके, स्वयं प्रभा, ईपीजी, पाठशाला एटसेट्रा, उसके अलावा उन्होंने एनपीटीईएल, उसमें उन्होंने 200 पुस्तकें ई बुक्स और जोड़ी हैं, और विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, दिव्यांग के लिए एक अलग चैनल का ऐलान किया है। दीक्षा के थ्रू क्लास 1-12 बड़ी सराहनीय है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जैसा आ रहा था न्यूज में कि क्लास 1-12 वन क्लास वन चैनल, और हर चैनल पे 6 घंटे का वो उस पर पाठ्यक्रम डेली प्रसारित होगा। तो एक अब हमें नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस हम लोगों के सामने हैं, जैसे मास्क एक ड्रेस कोड हो गया है, इस समय तो हम लोग बिना मास्क के बैठे हैं, लेकिन अभी अभी मैं विश्वविद्यालय से आ रहा हूँ, बिना मास्क के घर से निकलना ही संभव नहीं है, तुरंत रोक दिया जाता हूँ कि मास्क कहाँ है तुम्हारा। तो मास्क हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द ड्रेस कोड, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। अभी तो विश्वविद्यालय के सामने एक बड़ा चैलेंज है, परीक्षा कराना, किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए छात्रों को बैठाएंगे और परीक्षा संपन्न कराएंगे। 3 पाली में परीक्षाओं को कराने की सोच हुई है, ताकि हम और सेंटर्स बढ़ा करके किसी तरह परीक्षा संपन्न कराने की स्थिति में हो। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और एक और पहल जो करी है मिनिस्ट्री ने, वो भी बड़ी सराहनीय है। उन्होंने एक तरह से डिक्टेट किया है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनको कि ऑनलाइन मटेरियल उनको 1 जून से प्रोवाइड करना ही करना है। तो इस तरह की चीजें हैं, और इसलिए इसका मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम ही लोगों को नहीं, सरकार को भी संभवतः ये लग रहा है कि अगला सत्र भी, अगला सेमेस्टर एटलीस्ट इफ नॉट द एंटायर ईयर, हम लोगों को संभवतः इसी माध्यम से एड्रेस करना पड़ेगा, जहां तक टीचिंग का सवाल है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के सामने। क्लासरूम में जो लोग बात करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई मैं एज ए टीचर फेस टू फेस टीचिंग जानता हूँ कि उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती, पर क्या कैसे आप बैठाएंगे छात्रों को इस तरह के, जो 2 गज की जो दूरी मेंटेन करनी है छात्रों के बीच, आप किस तरह से क्लास में बच्चों को बैठा करके और छात्रों को एड्रेस करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस हैं अभी आगे आने वाले समय में। अभी सभी लोग असमंजस की स्थिति में हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब ये महामारी से हम लोगों को निजात मिलने वाली है। लॉकडाउन 1 से 2, 3, 4 होते होते अभी हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेट अस प्रे, जैसा शुरू में अनीता जी ने कहा कि संभवतः हम लोगों को इससे जल्दी निजात मिलेगी, और फिर हम लोग जिस तरह से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिस तरह से सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, उस तरह की स्थिति संभव हो पाएगी। तो बहुत न कहते हुए, डेफिनेटली इस समय कोई भी इस तरह का प्रयास, जो एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है, ये बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। और खाली इससे ये नहीं है कि हमने कोई एक सेमिनार का आयोजन कर लिया, हर इस तरह के आयोजन से हमें बहुत तरह की सीख भी मिलती है, आगे हम किस तरह से इन चीजों को और आगे बेहतर ढंग से एक्सप्लॉइट करेंगे, ये सब हम सीख पाते हैं। तो डेफिनेटली जितना हम इस तरह के माध्यमों का प्रयोग करेंगे, उतना ही हम सीखेंगे, और उतने ही अच्छे ढंग से आगे फिर इस पे अपने छात्रों को भी एड्रेस कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज के सभी प्राध्यापकों का, प्रिंसिपल महोदय का, सभी लोगों का, जिन्होंने इस तरह की सोच रखकर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कराने की सोच रखी और आज उसका आयोजन किया है। सभी साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, जो बहुत समय तक साथ थे हमारे बगल में, आज अभी उनके साथ उनके दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे इस वेबिनार में। काशीनाथ जी को नमस्कार हमारा, और लोग तो दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए जितने भी प्रतिभागी हैं आज के सत्र में, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, मेरा सभी को नमन, धन्यवाद। सर बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शशि तिवारी जी को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि आज आपने कुछ विशेष विषय पर भी कुछ व्याख्यान की तैयारी भी की है। शशि तिवारी जी,
आप वैदिक साहित्य के प्रकांड ज्ञानी हैं, यही आपके अध्ययन का विषय रहा। 40 से भी अधिक पुस्तकों में आपने लेखन और संपादन किया। 150 लेख आपके प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हैं। रेडियो में आपके कितने टॉक हैं और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आप भी सम्मानित हो चुकी हैं। ऐसे विदुषी महिला को अपने समक्ष पाकर हम सब बिल्कुल धन्य हो रहे हैं। मैडम आपसे बहुत निवेदन है कि आप आए और अपने विषय को आप हम सब के सामने उपस्थापित करें, ताकि आपके इस ज्ञान से हम सब आपका कुछ ना कुछ समाधान निकालने में संभव हो सके। प्रोफेसर शशि तिवारी मैम, आप अभी दिखी तो थी मैम। अच्छा नमस्कार। शशि तिवारी मैम बोलिए। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यार इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट यार। नमस्ते। सो इट इज अ प्रॉब्लम। आई एम यूजिंग आईपैड एट दिस मोमेंट बिकॉज़ लाइट इज नॉट हियर। सो आई एम ऑडिबल? यस 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 वी आर वेरी मच ऑडिबल। ओके बट आई कैन नॉट सी माई सेल्फ। दिखाई दे रही हूँ? यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू मैम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी मावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ द सेशन प्रोफेसर हरिदास, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर आर तिवारी जी, एनर्जेटिक कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर अनीता सेनगुप्ता, Chief guest of the session, Professor Kashinath Norbane, Senior Speaker and Principal of the College, Professor Anand Shankar Singh Ji. My namaste to all of you. I offer my abhivadan and abhinandan to all participants joining here from different parts of the world. As you know, this webinar is jointly organized by Ishwar Sharan of Allahabad and which is spreading disease all over the world. But at this time, at the crisis time, the teachers and students, how to use your time, how we and many organizations, and that's why we organize this online seminar. And we feel actually that it is our duty and it is our wish also that we should discuss at the time ancient principles to know the new path for the remedy of this disease. That is the reason. The main theme of this seminar is the revival of Indian perspective and exercise to combat COVID-19. Some subjects of this seminar are selected: life lessons, lifestyle, social, political, and economic subjects, global context, spirituality for the prosperity, human and environment, yoga, arogya, ayurveda, etc. And you may observe that almost all these major topics has been covered by our panelists, and there is a program and you can see the title of those panelists for their argumentation and discussion. And so with this brief introduction of the seminar, I will like to talk about the one aspect of this seminar, and that is the creation of spirituality for the prosperity of humanity. Nowadays, we see that a huge infrastructural report on meritorious faculty for the upbringing and development of our bright youth through education. Science and technology have now become the major instrument in social and cultural changes, either directly or indirectly. The case for the better and better comfort has resulted in increase in the quest of deeper knowledge
for deeper knowledge is related with the worldly pleasure, not with any other pleasure. So, अधिक से अधिक ज्ञान चाहते तो हैं, लेकिन भौतिक सुखों के लिए चाहते हैं. Generally, we see that dharma, philosophy, spirituality, these are not the part of our education process. So, present education requires incomplete character. Sensitivity, which is hardwired in the collective physique of all general citizens, remains in a dormant state in these youth which are taking new education. So, the situation, what to do? It is suggested that again, education should inculcate spirituality as a part of that, or you may say that a part of education should be there for the prosperity, and that through spirituality. You know that Vedas, epics, and Puranas, all these contain divine laws for the bringing of, for the upbringing, for the welfare of the whole of the humanity. According to our ancient thinkers, Indian society has dharma as foundation, and philosophy is the essence of dharma, and this spirituality is the effect of the philosophy. So all four things are related. Life is related with dharma, dharma is related with philosophy, and philosophy has its key aspect as spirituality. So spiritual, we cannot ignore this aspect of our life. In all the schools of philosophy, which are based on Vedic concepts, they throw light between the relation of God and man, man and nature, man and man. So different types of relations are discussed in through this philosophy. It leads up to the highest level of self-realization. And in fact, we see that management of self is possible only through spirituality. We should know ourselves first, then we can know the world and the society. So all these things show the importance of spirituality. In fact, life is mostly integrated with many aspects. As we know, we have a body, we have a mind, we have an intellect and a self. So all these four aspects should be always in our consideration. Philosophy deals in totality, and that is the reason when one goes into philosophy or he is getting total education. Samagrata or vyagrata, there are two words. Samagrata mein sukh hai, vyagrata mein nahi. All are combined, purna, then the character will be purna, personality will be purna. So for completeness of all aspects, this spirituality should not be ignored in the type in our higher education. And other words, you can say that the goal of spirituality is internal happiness, absolute development, the whole development. It is a unique type of medicine which works gradually, and all our faculties are developed through this spirituality. It leads to peace, prosperity, and harmony. A Upanishad, which is very famous and in the courses also in many universities, Mundaka Upanishad. It is that way with Devi is the way. Paracha, Aparacha. Tatra Apra, Rigvedo, Yajurvedo, Samvedo, Atharvedo, Shiksha, Kalpo, Vyakranam, Sando, Suktam, Jyotisha. Atpara, Yayakshana, Adhigamyate. All literature, which is worldly literature, is aparavidya, that is lower knowledge, that is worldly knowledge, that talks about the world, about the physical place, which deals the internal aspects of the life, that is paravidya, yaya aksharam adhigamati, we know the real, he realizes Brahman and other things. So the Atmanam Vidhi and then
problem. So for completeness, in short, I am talking all these things. In short, this type of serious education is a small part of our higher education to make our youth more human, more gentle, more udatta. So udatta bhav is created through this aspect. If we go to this patient, we are talking about all these qualities in men. Fearlessness should be there. Hame darna nahi hai. Karuna, it will come only by the peace of mind. We should be satisfied. We are sitting inside our house. We are satisfied. What do in food, in clothes, and everything. So satisfaction, we are realizing the importance of satisfaction. And there is a Hindi doha also. Godhan, gajdan, valdhan, or ratandhan kahan. Javave santoshan, sabdhan, dhuri saman. So this santoshan, this money of satisfaction, that what is the importance? Nowadays. So these udatta bhav, these udatta qualities, higher qualities of mind, intellect, and self are discussed nowadays in the days of crisis when we are having health problems, we are having crisis. So why not day-to-day life? Why not in general life also? But it is ironical that it is realized only during the crisis. So my humble submission is here, which was the topic also, that for we email bhajane from Indian aspect of Indian way of life is spirituality is an important part. It brings prosperity, a true prosperity, and we should care about that. An essential part of our life and education. Thank you very much to all of you for having your patience here. Thank you. धन्यवाद मैडम. बहुत धन्यवाद. इस समस्या के कारण जिस चीज का हम लोग बहुत अधिक लाभ उठा सकते थे, संभवतः कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क की समस्या इतनी अधिक है. नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, विषय आपका बहुत ही बढ़िया था, एजुकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी. मनुष्यत्व कैसे हम प्राप्त करें, निश्चित रूप से आपका बेसिक आधार वहीं पर था. सर मैडम, हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे तो, और बाद में रिकॉर्ड होने के बाद जब सुनेंगे तो शायद उससे हम लोग और अधिक अधिक समझ पाएंगे. प्लीज, धन्यवाद मैडम आपको. अब मैं मुख्य अतिथि को ये निवेदन करना चाहूंगी, सर आपका विषय नहीं है लेकिन फिर भी सर आप अपने विषय का उल्लेख कर दें. सर मैम, बीसी सर को बोलना है क्या? वो शुक्ला जी मैम, किसको बोलना है? नहीं, न्यापाने साहब को. मुख्य अतिथि महोदय बोलेंगे. जी जी, प्लीज प्लीज सर. जी सर, हेलो. हाँ सर, प्लीज प्लीज गिव योर ब्लेसिंग्स. जस्ट थैंक यू वेरी मच. जस्ट अलाउ मी टू गो. हेलो सर. Yes, are you, we are all hearing. Okay, thank you very much. Om Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam Nijantargatam Pasyan Atmani Mayaya Bahiribodh Bhutam Yatha Nidraya Yasakshat Kurute Prabodha Samaye Swatmanam Eva Advayam तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः. इदं श्री दक्षिणा मूर्तये तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः. इदं श्री दक्षिणा मूर्तये. रेस्पेक्टेड प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी एंड वाइस चांसलर तिवारी सर एंड प्राचार्य जी, डॉक्टर अनिता जी, प्रोफेसर शशि तिवारी जी, प्राचार्य जी, उपस्थित विशिष्ट विद्वान एंड विदुषी, सबको मेरा नमस्कार.
I am really happy to speak in Hindi because it is difficult to speak the Hindi sometimes. I cannot get the chance to speak always Hindi, but now I think it's a great opportunity me to speak Hindi. So please allow me to speak Hindi. Thank you. Are you hearing, sir? Yeah, very much. It's okay? It's okay, it's okay, fine. Okay, thank you very much. तो ये बहुत ही दिव्य विषय आपने रखा, पुनर्जागरण, हमारे भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम बहुत पहले से कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, परंतु इसका ज्ञान नहीं था हम लोगों को, ये अनुभव नहीं हो रहा था। अभी पहली बार ये अनुभव हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। चाइना में एक छोटा सा वायरस आया, उस छोटे से वायरस ने देखते देखते संसार को अपने जाल में ले लिया। इससे क्या हुआ कि संसार अब अलग अलग नहीं है। कोई समस्या चाइना में आती है तो भारत में भी आ जाती है, भारत में कोई समस्या है तो अमेरिका में पहुंच जाती है। तो ये लगता है कि संसार अब बहुत छोटा, एक छोटा सा गांव हो गया। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे आर्यों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कृणन्तु विश्वम आर्यम, सबको नोबेल बनाओ, सबको अच्छा बनाओ, ये उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि एक किसी को भी कोई दुख होगा तो वो दुख सबके पास पहुंचेगा, ये उन लोगों की दृष्टि थी। तो इस दृष्टि को आज इस कोविड के महामारी के अवसर पर हम समझ रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो महत्ता है उसको बताने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत पुस्तकें हैं, बहुत चीजें हैं। तो संसार के लोगों को, विदेशी लोगों को, विशेष करके अमेरिकन और यूरोपियों को, यूरोप के लोगों को, स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले भारतीय परंपरा का स्पर्श कराया था छोटे से रूप में। ज्ञान के कुछ कण उन्होंने दिए थे, उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने योग के विषय को बताया विदेशियों को, फिर महर्षि अरविंद ने ज्ञान को सिखाया, ज्ञान क्या है हमारे पास। उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसको टाइगर बोलते हैं वो लोग, वो ठाकुर हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भक्ति की शिक्षा दी साहित्य के माध्यम से, और अंततः प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन का आरंभ किया। प्रभुपाद ने भारतीय आचरण और भक्ति दोनों को साथ साथ सिखाया। यदि किसी ने अपने आचरण को पश्चिमी लोगों को सिखाया हो तो प्रभुपाद हैं। इसलिए प्रभुपाद का बहुत ही हमें आदर करना चाहिए, मुझे बहुत आदर लगता है उनके प्रति, क्योंकि उन लोगों को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे स्नान करना है, कैसे हाथ धोना है, शरीर के अन्य अंगों का कैसे आपको केयर करना है, ये उन्होंने सिखाया। अब आज जो समस्याएं हम देखते हैं भारतवर्ष में और संसार में, जो समस्याएं वो बहुत बड़ी समस्या इस समय है मनुष्य जाति के लिए, परंतु इसके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं हमारी भोगवादी जो प्रवृत्ति है, और हमें धन की लालसा, हमें कितना धन कमाना है हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, कितना धन चाहिए हमको। और इस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम सब लोग जो आज परेशानी में हैं। तो कितना धन कमाना है, ये हमारे ऋषियों ने कहा, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वयं कर्म भी अगर हितै अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। यात्रा, शरीर यात्रा, जीवन यात्रा जितने से चले और वो इतना धन कमाना है जितने कमाने से हमारा जीवन चलता हो, और वो भी कैसे कमाना है, स्वयं कर्म भी अगर हितै, अपने कर्मों से कमाना है, वो कर्म भी कैसे हो, अगर ही तो निंदित ना हो। जैसे बुद्ध ने कहा कि तुम धन कमाओ, कैसे कमाओ, तुम्हारी आजीविका होनी चाहिए स्वच्छ, तो क्या मांस का व्यापार मत करो, शस्त्र अस्त्रों का व्यापार मत करो, विष का व्यापार मत करो, और मनुष्यों का व्यापार मत करो, पशुओं का व्यापार मत करो, इस प्रकार उन्होंने कहा। तो ये क्यों? क्योंकि ये गर्हित कर्म है, हो सकता है हम लोग करते हो बहुत लोग, परंतु ये निंदित है, इसलिए इनका नहीं करना चाहिए हमें। और धन कमाने के लिए क्या, अक्लेशेन शरीरस्य, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है, शरीर को बिना कष्ट दिए जितने से अपनी यात्रा चलती हो, जीवन यात्रा, उतना ही धन कमाना है, एक बात ये कहा। और दूसरी बात क्या कहा था, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम देहिनाम, अपना कितना है, अपनी संपत्ति कितनी है, यावत भ्रियेत जठरम, जितने से हमारा पेट भरता हो उतनी ही अपनी संपत्ति है, अधिकम यो भी मन्यता, उससे ज्यादा कोई यदि इकट्ठा करता है, चाहता है, तो सस्ते ना वह चोर है, दंड मरती उसको दंडित करना चाहिए, ये कहा ऋषियों ने। तो इसका अर्थ क्या है, आज जो संसार में हम लोग क्या चाह रहे हैं, सब लोग अपने पास सबसे ज्यादा हो, हम धनी हो,
और इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या कर दिया, मैं चाइना जाता रहता हूँ, संसार में जाता हूँ, अपने अध्यक्ष हरि शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा जी से मेरी कई देश में मुलाकात होती है, गत वर्ष इससे पहले कनाडा में हुई थी, तो मैंने उनसे ये बात कहा था कि भाई ये उपभोक्तावादी संस्कृति गुरु जी किसी दिन हम लोगों को ले डूबेगी, मुझे लगता है ये हम लोगों ने भोगना शुरू किया। आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों का खान पीन और रहन सहन और आचरण इसी प्रकार से बिगड़ गया। और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कैसे हैं, उन कर्मों से भी हमारा जीवन जो है ये नष्ट हो रहा है। तो क्योंकि अपना संस्कृत साहित्य के माध्यम से अपने को बोलना है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहना है, तो मैं कहूंगा ये पंचशील का हमें पालन करना चाहिए। आज के इस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध ने जो कहा था, प्राणाति पात विरति, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, और वो हिंसा तीन प्रकार की उन्होंने बताई, ये तो अपने सभी शास्त्रों में है, मन से हिंसा, वचन से हिंसा और शरीर से हिंसा। तो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना, ये पहला उन्होंने बताया। फिर अदिन्ना दान विरति, दूसरे की संपत्ति उसके विदाउट हिज उनके अनुग्रह के बिना हमें नहीं लेना चाहिए, दूसरे की संपत्ति को हमें नहीं लेना है, चोरी नहीं करना है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो। फिर कामेशु मिथ्याचार, और ये जो मिथ्या आचरण हम काम में कर रहे हैं, अर्थात दूसरा शब्द व्यभिचार, ये व्यभिचार से पूर्ण रूप में बचना है। और सुरा मैरेय विरति उन्होंने चौथा कहा कि किसी भी प्रकार का ये जो सुरा मैरेय, किसी भी प्रकार की हम जो है ये न लें, ड्रिंक्स जो लेते हैं जिससे हमें उत्तेजना हो, उस उत्तेजित पदार्थों को न लें, और झूठ न बोले मिर्शाबाद। तो ये पांचों का यदि हम पालन करेंगे तो संसार में जितने भी रोग हैं, जितने भी व्याधियां हैं, मुझे लगता है ये कोई भी नहीं आएंगी। और ये जो अभी कोविड आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंसा से, ये मांस से आया, भोजन से आया, और आज भी हम भोजन से ही बच रहे हैं। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, राजा परीक्षित जाते हैं, कली आते हैं, कली एक जो है वृषभ को, एक पाद वाले वृषभ को मार रहा है। तो राजा ने पूछा, आप कौन है, क्या है, क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं कली हूँ। तो राजा उनको मारने के लिए दौड़े तो वो शरणागत हो गए। शरणागत होने के बाद उन्होंने अपने रहने के स्थान मांगे थे। देखिए कितना सुंदर भागवतकार ने वर्णन किया, कली ने कहा कि मुझे रहने का स्थान दीजिए। तो उन्होंने पहले तो द्युत, जहां पर गैम्बलिंग होती है, क्या बोलते हैं गैम्बलिंग को हम लोग, जुआ खेलते हैं वहां पर, और जो है पानम, जो पान करते हैं सुरा आदि, ये शराब पीने की बात है, संसार भर अब चल रहा है, उसके बिना नींद कई लोगों को नहीं आती है, उस सुरा वहां पर रहो तुम। उसके बाद जहाँ व्यभिचार होता है, व्यभिचार का जगह दिया, और हम लोग भारत और नेपाल जैसे देशों में भी रेड लाइट एरिया है, कई देश तो इसी से चलते हैं, तो हम लोग सुखी कैसे रह सकते हैं? देखिए, तो तीसरा बताए व्यभिचार का अड्डा, वहां तुम रहना। फिर सुना, जहां हिंसा होती हो, ये चार स्थान दिए। तो कहा कि ये तो बहुत गलत स्थान है प्रभु, मुझे और कोई अच्छा भी स्थान दिया दीजिए। तो फिर उन्होंने जात और रूपम का सोना, आज सोने के लिए संसार लड़ रहा है, सोना ये प्रतीक है, ये जो है संपत्ति की प्रतीक है, संपत्ति के कारण भी सारे झगड़े हो रहे हैं। तो क्या क्या हुआ? ततो अनृतम मदम कामम रजो बैरंच पंचमम, ये पांच चीजें आई। अनृतम, ये झूठ बोलना, ये असत्य क्या है, जुआ के कारण असत्य आता है। और पानम, जो पीते हैं उसके कारण मद आता है, मद्य। उसके बाद जो तीसरा दिया का व्यभिचार, उससे काम, इससे व्यभिचार ये होगा। फिर चौथा रज, जो जहां हिंसा होती है वो रजोगुण रहेगा। फिर बैरभाव, ये जो है संपत्ति के साथ, सोने के साथ बैरभाव है। तो सारे संसार की लड़ाई किसमें है? इन्हीं चीजों के लेकर के लड़ाई है ना, आज और कोई लड़ाई नहीं है। अभी हमारे नेपाल में एक बहुत शराब का फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो नेपाल जैसे देश में, ये हिंदू राष्ट्र है, इतने लोग हैं, हम लोगों के इतने शास्त्र हैं, इतने धर्म हैं, ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सब लोग पीते हैं बड़े लोग। तो मैंने उन्होंने ये विशेष बात बताया कि स्विट्जरलैंड में कोई एक कोई प्रपात है, झरना है, वहां से मैं पानी ला करके बनाऊंगा। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, संसार को नष्ट करने के लिए लगे हुए, हमारे ही लोग। तो इन सब पांच चीजों से हम यदि बचें तो हम लोगों का कल्याण होगा, इस प्रकार के रोग नहीं आएंगे। इस जीवन को, इस देश की संस्कृति को, इस परंपरा को रिवाइव करने का अर्थ है कि हम इस प्रकार के चीजों से बचें। और जैसे ये जो पंचशील जो बुद्ध ने कहे, मुझे तो लगता है मनुष्य होने के लिए ये आधारभूत चीजें हैं, ये कोई धर्म नहीं है। मनुष्य होने के लिए
आधारभूत चीजें ये चीज होंगी तो हम पूर्ण मनुष्य होंगे, नहीं तो मनुष्य होना भी कठिन है, अभी तो हम मनुष्य ही नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने धर्म को बचाएं और अपने कर्म को बचाएं, और जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म हमें ही भोगना है। यदि हम किसी दिन समझ जाएंगे तो ये कोई नहीं करेगा। जैसे मनु ने कहा, बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही एक जगह, ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव। अधर्म का हम आचरण करें या धर्म का आचरण करें, उस सद्य फलति गौरिव तत्काल। जैसे उस जमाने की बात कर रहे हैं तो कोई बाजार में गया, कोई गाय खरीद के ले आया, गाय खरीद के लाने के बाद शाम को दूध निकाला, फिर उसके बाद दूध पी लिया, ऐसे धर्म और अधर्म नहीं होते। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव। यदि नात्मनि, यदि हम जो भी कर्म करते हैं अपने को ही भोगना होता है। यदि नात्मनि, यदि हम भोगेंगे भोगेंगे, नहीं भोगेंगे तो हमारा लड़का पुत्र पुत्रियां भोगेंगे। यदि पुत्र और पुत्रियां भोगेंगी, यदि वो भी नहीं करेंगे नहीं भोगेंगे तो नपत्रिशु नाति और पनाति तीसरी पुस्ते में जाएगा, फिर तीसरे से चौथे में। इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें भोगना है। इसीलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं संसार में आज हम ये भोग रहे हैं। इसलिए हम अपने आचरण को, भारतीय परंपरा के जो आचरण है उन आचरणों को ठीक से यदि हम पालन करेंगे, उस पर रहेंगे, तो हमें लगता है इस प्रकार की चीजों से संसार बचेगा। हम जो है इतने इतने धार्मिक लोग हैं, गंगा को हम पानी पीने लायक नहीं छोड़ा, हमने स्नान करने लायक नहीं छोड़ा, हम कहां पर पहुंचे हैं आजकल। देखिए यमुना, मैं जब विद्यार्थी था हाई स्कूल में, दिल्ली में मैंने हाई स्कूल की, तो दिल्ली में मैं था तो उस समय 80 की बात थी, 82 की बात थी, उस समय यमुना जी में हम स्नान करते थे। अब यमुना जी का हालत मैं गत वर्ष देखा तो मुझे रोना आ गया। गंगा जी का हालत यही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि गंगा का जल पीने लायक तो बहुत दूर, स्नान की बात तो दूर, स्पर्श करने लायक भी नहीं है काशी में, ये उन्होंने कहा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें ये चीज देखना चाहिए। और भारत और नेपाल जैसे देश क्या कर रहे हैं आज, शराब और मांस, ये दो चीजों को यदि हम बंदी कर दें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भारत के इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कहीं से ये बात पहुंचे तो प्लीज भारत वर्ष में आप शराब बंद कर दें, और मांस के जितने भी कटने वाले बुचर खाने हैं उनको आप बंद कर दें। दो चीज कर देंगे ये देश आपका कभी भी ये ऋण नहीं चुका पाएगा। नेपाल की भी यही हालत है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नहीं सुनेंगे। इसीलिए सब लोग मिल करके इस परंपरा को बचाएं, ये बहुत अच्छी बात होगी। मैंने बहुत समय ले लिया, अब मैं अपने शर्मा जी का एक श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनका एक काव्य है, वो मुझे भेजे थे अभी इलाहाबाद से, उनका ये बहुत बढ़िया बहुत दिव्य काव्य है, ये उन्होंने लिखा। मैं अंतिम में ये जो है वैदेशिका टनम करके संस्कृत में इन्होंने लिखा, कई 16 देशों का इन्होंने भ्रमण किया, सारा महाकाव्य लिखा। तो अंतिम श्लोक मैं पढ़ता हूँ। संस्थानेषु सुभाषितं हि बहुभिर्विद्वद्भिया मेलितं विश्वगरीति सुनीति संस्कृति दिशो वैभिन्न्यमालोकितं तैलश्रेणी समुद्र कानन नदी सौन्दर्यमासेवितं सर्वं संस्कृत सेवया सुघटितं वैदेशिकं मे। संसार के संस्कृतियों को यहाँ झलक दिया और कहा कि संस्कृत की सेवा से, अंतिम लाइन है, सर्वम संस्कृत सेवया सुघटितम, संस्कृत की सेवा के कारण यह मेरा वैदेशिक अटन विदेशों का भ्रमण हुआ, मैं कृतार्थ हो गया करके उन्होंने अंतिम में लिखा। उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, शर्मा जी को, हरिदत्त शर्मा जी। और मैं इलाहाबाद बहुत बार जाता आता हूँ, मैंने दो पद्य लिखे थे, इस एक पद्य सुना के अपनी वाणी विराम करता हूँ। प्रयाग के प्रति आप प्रयाग से हैं। अद्यापि कुंभ समये घटितं सभां तं दैव्य गिरोद्भुत तमं नहि विस्मरामि यस्य समस्त विद गौरव मंडिताय मन्ने कदापि तुलना भविता न भूयः। प्रयाग की तुलना संसार में किसी क्षेत्र से नहीं हो सकती। वो प्रयागराज आपने आजकल नाम दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। ये जो है तीर्थराज है, इनका नाम प्रयाग है, ये तीर्थों के राजा है। तो इस तीर्थराज में आप ये सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई हो, धन्यवाद। और मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने इतना बड़ा स्थान दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मार्ग दिखाया, इन मार्ग का आपने अनुकरण करने को कहा। निश्चित रूप से हमें लगता है इस कोरोना पीरियड ने, जो लॉकडाउन पीरियड था, इसने हम लोगों को काफी कुछ सिखाया भी है। इस
अवसर पर हम लोगों ने बहुत कुछ भारत की संस्कृति में हमें स्वावलंबी बनना है, हम आत्मनियंत्रित होना है, ये सब चीजों को मैंने सीखा। लेकिन सर मेरा एक निवेदन ये है कि यदि कठोपनिषद के एक मंत्र को हम अपने जीवन में उतारना चाहे इन समस्त चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है। मंत्र है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मन तो एक लगाम है, अगर मन को हमने उन्मुक्त छोड़ा तो वो इंद्रियों को ऐसे खींचेगा कि वो केवल भोग की ओर जाएगा। लेकिन यदि सारथी ने अगर मन के ऊपर लगाम लगा दिया तो निश्चित रूप से ये मन कभी भी अनुचित कार्य करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसीलिए इस मंत्र को यदि जीवन में हमने उतार लिया तो हमें कोई भी गलत काम करने से बुद्धि वहां पर हमें नियंत्रित करेगी, हमें रोकने का वो प्रयास करेगी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विषय का चयन किया सर। अब मैं एक बीज वक्ता के रूप में आज हमारे माननीय प्राचार्य महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं आप लोगों से क्या कहूं, हम लोग तो प्रतिदिन ही देखते हैं वो एक कुशल वक्ता है। यदि उनके वक्तव्य को आप तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि पूरा समाज ही लाभान्वित होगा। उनके प्रत्येक पॉइंट जीवन के लिए उपयोगी है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, कर्म योग से भरा हुआ है। ऐसे सर को मैं निवेदन करूंगी कि सर आपने आपको उपस्थापित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेन गुप्ता, और फिर से एक बार आपको धन्यवाद दूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आप इसकी कन्वीनर हैं, इसकी सूत्रधार हैं, इसके कलेवर के निर्मापिता हैं, और आपके साथ डॉक्टर शुक्ला ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक अपनी विवशता बताना चाहता हूं कि इतने सारे संस्कृत के प्रकांड अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और इतना बड़ा विषय का बड़ा क्षितिज बड़ा वितान, और उसमें एक इतिहास के छोटे से व्यक्ति को आप ले आके खड़ा कर दिया। जब मैडम ने कहा मुझसे कि आपको कीनोट करना है तो मैं असमंजस में था। मैंने कहा मैडम इतने बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर शर्मा जी हैं, सारे लोग, ऐसे अध्यक्ष के सामने मैं क्या बोलूंगा। हालांकि शर्मा जी के सामने तो मैं कुछ भी बोलता रहता हूं। तो और यह संस्कृति का प्रश्न है, हम तो इतिहास के आदमी हैं, थोड़ा बहुत संस्कृति जानते हैं, संस्कृत वाले तो संस्कृत ज्यादा ठीक से जानते हैं। मैडम ने कहा कि संस्कृत वाले संस्कृति तो जानते हैं, लेकिन संस्कृति का जो कंटिन्यूम, जो जो एक सातत्य कलेवर है और जो जो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो इतिहास वाले ज्यादा ठीक से समझते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इनके सामने झगड़ा ना करूं, मैं अपनी हार मान लूं और ये तैयार हो जाऊं कि ठीक है मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन आप सबके बीच में आने का दुस्साहस जरूर करूंगा। मैं क्षमा के साथ क्योंकि विषय इतना बड़ा है मैं स्पर्श करना चाहूंगा बिल्कुल बहुत तेजी के साथ समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। लेकिन अगर हमने टाइम को इनक्रोच कर लिया मैडम तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बार बार आपसे कहता रहा कि इस विषय को आपने इतना जीवन शैली से लेकर के भारतीय दृष्टिकोण और हम ये कहें कि अगर भारतीय दृष्टिकोण की केवल एक शब्द में व्याख्या की जाए तो यही व्याख्या हो सकती है कि वह देशज कभी नहीं रहा, वह कालिक कभी नहीं रहा, न वो किसी देश का था न वो किसी काल का था, वह तो संपूर्ण सृष्टि के लिए था, वह पूरे यूनिवर्स के लिए था, वह पूरी कायनात के लिए था, वह तो विश्व के लिए था। वेदों में जो लोक की परिकल्पना है, जो जगत की परिकल्पना है, वह पूरे सृष्टि के लिए है, वही विश्व है, वही राष्ट्र है। राष्ट्र भी वेदों का जो राष्ट्र है वह भी किसी देश विशेष को इंगित नहीं करता है, वह विश्व को इंगित करता है। तो जिन ऋषियों ने, जिन मनस्वियों ने, जिन व्यवस्थाकारों ने, जिन ऋषि द्रष्टाओं ने, मंत्र द्रष्टाओं ने इतना बड़ा क्षितिज दिया हो, और मैं बताऊं कि इतने बड़े क्षितिज को हम, ये जो रिवाइवलिज्म की बात आज हो रही है, कई बार मुझे लगता है कि हम इससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन इत्तफाक इसलिए करना पड़ा कि सच बात है कि जो हमारी बुनियादी चेतना थी, जो बुनियादी चिंतन था, जो मौलिक चिंतन था, जो आर्ष चिंतन था, आज वही कहीं पीछे छूट गया है। वह खत्म नहीं हुआ है, वह बहुत सारी परंपराओं में आज भी वह विद्यमान है, संप्रति भी विद्यमान है हमारे बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही ने उसको कालबाह्य कर दिया, हम उसको नहीं समझ पाए। तो आज उसके रिवाइवलिज्म की जरूरत तो जरूर है, उसके पुनर्स्थापन की, पुनर्प्रकाशन की, पुनः उसके उद्घाटन की आवश्यकता जरूर है। और मैडम मैं आपसे सहमत हो पा रहा हूँ,
मैं केवल केवल उन ऋषियों के उस चिंतन को, और देखिए ना ये चिंतन कितना बड़ा है, ये चिंतन केवल एक क्षेत्र में आप नहीं दे सकते, राष्ट्र में वो सर्वांगीण दृष्टि क्या है, वो सर्वांग दृष्टि क्या है, परिवार में वो सर्वांग दृष्टि क्या है, वह नारी को देखता है तो कैसे सर्वांग होके देखता है, वह अर्थव्यवस्था को देखता है तो कैसे सर्वांग होके देखता है, वह राजनय को देखता है तो कैसे सर्वांगीण उसकी दृष्टि होती है, जीवन के वह धर्म को देखता है, वो दर्शन को देखता है, वो चेतना को देखता है, वो किसी भी चीज को देखता है तो कैसे वो वैश्विक है, कैसे वो ग्लोबल है। ग्लोबलाइजेशन तो भारत के लिए कभी नवीन रहा नहीं, मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ट्रूली रियली वी वेर ट्रू ग्लोबल, हमसे हम ही ग्लोबल थे और हमारा जो चिंतन था, और ये चिंतन इतना विराट था कि चिंतन मानव मात्र के लिए भी नहीं था, यह तो चिंतन चर और अचर सबके लिए था, यह तो जीव मात्र के लिए था, सृष्टि मात्र के लिए था, मनुष्य के बारे में भी हमने केवल नहीं सोचा, हमने तो संपूर्ण चराचर के बारे में सोचा। इसलिए मैंने कहा पहले ही कि एक लाइन में कहें कि भारत का चिंतन क्या है, तो भारत का चिंतन सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, वह सर्वजा है, वह सर्वदा है, जो भी उसको कुछ कह लें वह कम है। और ये पूरी जो चिंतन यात्रा है, जीवन क्या है से लेकर के जीवन को कैसे रखा जाए, जीने की कला क्या है, जीवन की शैली क्या है, जीने की कला क्या है, तो हम एक लाइन में कहेंगे कि सारी जो यात्रा है वो कोहम से सोहम तक की यात्रा है। सवाल करता है ऋषि, कोहम मैं हूं कोहम, और समग्र जीवन जब इसको खोजता है, अन्वेषित करता है और जब पा जाता है तो कहता है ओफो सोहम, मैं तो वही हूं, यानी मैं कौन हूं, मैं तो वही हूं जो मेरा उत्स है, जहां से मैं पैदा हुआ, जहां से मैं निकला हूं, और मैं निकला कहां हूं, वह कौन सी स्थली है, कौन सा तत्व है जहां से मैं निकला हूं, तो वह ब्रह्म है, तो फिर कहता है आम ब्रह्मास्मि। तो यह जो समग्र यात्रा है वो इतना बड़ा चिंतन क्रिएट करता है, इतनी बड़ी थाती हमको देखता है कि वही जो अम्ब्रेला, जिसको अभी मैडम शशि जी ने कहा कि अध्यात्म कितना जरूरी है, तो दैट इज अम्ब्रेला विच इज कॉल्ड अध्यात्म, वो अध्यात्म की छतरी है। और अगर हमने कोहम से सोहम समझ लिया तो हम समझते हैं कि हम भारत को समझ पाएंगे, क्योंकि भारत की तो चेतना ही व्यष्टि से समष्टि की है, अंश से संपूर्ण की ओर है, खंड से अखंड की ओर है, उच्च जहां है वहीं हम अपने को सर्वस्व समाप्त कर देना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी चेतना, और कितनी अद्भुत है कि जब भी हमने सोचा, जब भी भारत ने सोचा, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, यही परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया है, यही परसेप्शन ऑफ इंडिया है जो हम अक्वायर करते हैं। क्या कह रहा है श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र बहुत खूबसूरत है, कहता है ऋषि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धम्मानि दिव्यानि तस्तु, कहता है हे विश्व के अमृत पुत्र सुनो। देखिए वो संदेश क्या दे रहा है, किसको संदेश दे रहा है, कहां की बात कर रहा है, कहा हे विश्व के पुत्र सुनो मेरी बात, और हे दिव्य लोक के निवासियों तुम भी सुनो। हम कहते हैं ना कि बराबर भारत का जो चिंतन था वो जितना भौतिक था उतना ही आध्यात्मिक था, जितना वो आधि भौतिक था उतना ही आधि दैविक था, हमने एक लोक की कल्पना भी नहीं की, हमने ये मान लिया कि अगर इसके इतर भी कोई लोक है जहां पहुंचने को हम मोक्ष कहते हैं, निसर्ग कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, व्हाट वी कैन से, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हम कहें यह हमारी संपूर्ण यात्रा है, तो हम उस जगत के बारे में भी समान रूप से सोचते हैं, और दोनों को इंगित कहता करके कहता है कि मेरी बात सुनो। और यह जो चेतना है, यह जो भाव है, इसी भाव ने यह मंत्र सृजित करने पर हमको बाध्य किया, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वता, दुनिया भर से ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की गंगा का हम स्वागत करते हैं। और मैडम ने कहा अभी 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 न्यापाने साहब ने कहा कि चलो कृण्वन्तो विश्व मार रहे हैं, चलो दुनिया को श्रेष्ठ बनाते हैं, हम अपने को श्रेष्ठ बनाने का हमने कभी ठेका नहीं लिया, चलो सबको श्रेष्ठ बनाते हैं, और इस भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निकला। यह विश्वव्यापी चेतना है, यह सर्वकालिक है, सर्वांगीण है, सार्वभौमिक है, जो सही में यूनिवर्सल शब्द जिसको हम कहते हैं वो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यह यूनिवर्सलाइजेशन की परिकल्पना शुद्धता भारतीय है, जब दुनिया में लोग अपने बारे तक, अपने सीमाओं तक, अपने समाज और परिवार तक भी नहीं सोच पाते थे, तब हमने दुनिया के, विश्व के बारे में सोचा, जगत के बारे में सोचा, संपूर्ण कायनात के बारे में सोचा। और यही वह चेतना है जो आज आप देखेंगे ना, एक मुल्क है इस महामारी के समय में, एक तरफ अपने मरीजों का इलाज कर रहा है, दूसरी तरफ वो पीपी किट और मास्क बना करके दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, और खराब किट भेज करके तमाम मुल्कों ने उसको वापस कर दिया। और भारत की वो जो दृष्टि थी, भारत की वो जो चेतना थी, जो 10,000 वर्ष से चली आ रही थी, उस चेतना का अंशमात्र आज हमारे पास बचा है। फिर भी भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेके और कहता है ठीक है,
हमारे यहाँ ये पेंडेमिक है, ये हमको इम्पैक्ट कर रहा है, फिर भी दुनिया के लिए मेरा धर्म है, दुनिया के लिए हमारा जो कर्तृत्व है, जो जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, वो ये दवाइयां आप ले जाइए, इसराइल से लेकर के अमेरिका तक को सबको उसने दवाई सप्लाई किया। ये उसी चैतन्य का, उसी चेतना का प्रमाण है। जब भी हमने सोचा, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति दृष्टि क्या थी, मैं बहुत संक्षेप में मुझे लगता है कि इतना मेरा फेवरेट जोन है बात करने का कि मैं बात करूंगा तो बात बहुत लंबी होगी। तो सभ्यता मूलक दृष्टि, संस्कृत मूलक दृष्टि, भारत की क्या कहते हैं, भारत की संस्कृति पुरानी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, यह पुरानी है, यह वृद्ध नहीं है, यह कभी वृद्ध नहीं हो सकती क्योंकि इवॉल्व करती है हमेशा। जब भी भारतीय धर्म, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, लगा कि उसमें रूढ़िवाद आ रहा है, लगा कि उसमें आभिचारिक क्रियाएं आ रही हैं, लगा कि उसमें कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं जो हमारी संस्कृति को क्वेश्चन कर रही है, परंपराओं को क्वेश्चन कर रही है, तो तुरंत उसने इवॉल्व किया अपने को। और मैं फिर ये बताऊं, इसके लिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी पैगंबर के अवतार की आवश्यकता नहीं, यह इस संस्कृति में सेल्फ रिफॉर्मेटिव प्रोसेस इतना जबरदस्त है कि अपने को रिफॉर्म कर लेती है। वैदिक परंपरा में दोष आया, उपनिषद खड़े हुए, उपनिषद की बात लोगों तक नहीं पहुंची तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध खड़े हो गए। इनकी भी बात तब जब 400-500 वर्षों के बाद कालबाह्य होने लगी तो मध्ययुग का भक्ति आंदोलन आ गया, फिर उसमें थोड़ा ठहराव आया तो एकेश्वरवादी मूवमेंट आ गया, फिर उसमें थोड़ा ठहराव आया तो 19th सेंचुरी का कल्चरल रेनेसा आ गया। आप देखें ना कितना लंबा कालखंड है और इवॉल्व। दुनिया के किसी रिलीजन में आप देखें, मैं दो रिलीजन का नाम लेना चाहता हूं, पूरे इस्लाम की परंपरा में केवल एक 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 सुधारवादी आंदोलन हुआ, एंड दैट वाज द सूफी मूवमेंट। उसके बाद कोई आज तक कोई रिवाइवल मूवमेंट नहीं आया, कोई रिफॉर्म मूवमेंट उसमें नहीं आया। क्रिश्चियनिटी में केवल एक बार सुधार का आंदोलन हुआ, जिसको आप प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो भाग में क्रिश्चियन समुदाय बंटता है, उसके बाद कोई इसमें सुधारवादी आंदोलन नहीं आया। यह जो संस्कृति है, यह जो परंपरा है, हमारी जो धर्म और आध्यात्मिक चेतना है, वो रोज अपने को परिष्कृत करती है, और परिष्कार ही हमारे धर्म और चिंतन का आधार है, इसलिए होलिस्टिक है, इसलिए वैश्विक है। और गीता क्या कहती है, पूरा अपि एवति पुराण, हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही नूतन है, उतनी नवीन है। और बहुत सुंदर लगता है मुझे एक मशहूर बहुत हदीस है, पैगंबर साहब ने उस हदीस में कहा, वहां मदीने में बैठकर, अजीदु रिहल इल्म मिन बिलादिल हिंद, कहा जो भारत से, जो हिंद से ज्ञान की जो स्वच्छ हवा, उसके झोंके जो आ रहे हैं, उससे मैं स्पंदित हो रहा हूँ, बहुत ठंडा, बहुत शीतल अनुभव कर रहा हूँ। यह संस्कृति का प्रवाह है, यह उसका कंटिन्यू अनब्रेक, कभी वो टूटी ही नहीं, वो ब्रेक नहीं हुई। जब कहा इकबाल ने कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या मिट गया, यूनान कहां खत्म हो गया, आज भी है, रोम कहां है, वो भी आज भी है। लेकिन इसके कहने का मतलब था, वेरी फिलोसफिकल ये छंद है, शेर है, कि सब मिटे, मिटने का मतलब ये था कि संस्कृत का एक लेयर पूरी तरह से खत्म हुआ, फिर सेकेंड लेयर वहां नहीं आई, फिर थर्ड लेयर वहां नहीं आई, कि वो संस्कृति का जो आदिम हिस्सा था उसने कोई लिगेसी नहीं छोड़ी, कोई परंपरा नहीं छोड़ी, कोई विरासत नहीं छोड़ी। लेकिन भारत की संस्कृत, सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई तो उसने पोस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया उसमें सैंधो विरासत थी, वो वैदिक विरासत थी, यहां तो विरासत कभी मरी ही नहीं, वो लिगेसी खत्म ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस संस्कृति का सातत्य है, प्रवाह है, अविच्छिन्न है, अनाविल है, अनिंद्य है, वो लगातार बहने वाला है, वो कभी कभी विघटित नहीं होता है, कभी वो विश्रृंखलित भी नहीं होता है, कभी टूटता नहीं है। और 10,000 वर्षों से अगर कोई संस्कृति चल रही हो, 10,000 वर्ष बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतिहास का आदमी हूँ, और अभी राखीगढ़ी की खुदाई से 7200 BC की रेडियो कार्बन डेट मिली है, हम उसी को मान लेते हैं, हालांकि हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से संस्कृति और पुरानी है, लेकिन अगर 7200 BC भी मान लें तो 7200 इधर और 2100 इधर, लगभग अराउंड 10,000, तो 10 वर्ष की संस्कृति की प्राचीनता तो हमारे सामने विज्ञान सिद्ध कर रहा है। और संस्कृति जो हमारे मनुष्यों ने संस्कृति बनाई, जिस संस्कृति की बात किया वो क्या कहा, सा प्रथमा संस्कृति विश्व आरा, यजुर्वेद साफ साफ कहता है, कहता भाई ये संस्कृति वैश्विक है, विश्व की संस्कृति है, वो किसी देश की, किसी काल की, किसी किसी जाति की, किसी रेस की संस्कृति नहीं है। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जैसे वेस्ट का रिलीजन हमारे धर्म को नहीं समझ सकता, वैसे वेस्ट का कल्चर हमारी संस्कृति को व्याख्यायित नहीं कर सकता। कल्चर कैनॉट डिफाइन आवर संस्कृति, क्योंकि संस्कृति को समझने के लिए हमें उसी धार को समझना पड़ेगा, और हमारी संस्कृति कंपोजिट भी नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे हमारे सामने, या एक संस्कृति है, एकमेव ही है, एक ही है, एक भू एक जन एक संस्कृति। एक जन इसलिए कि हम एक पृथ्वी के पुत्र हैं और हम सबको परिवार के भाव से देखते हैं, और हम उसके पुत्र हैं इसलिए हम पृथ्वी का आदर करते हैं, वो हमारी माँ।
इसलिए एक भू एक जन की संस्कृति, यहाँ कहते हैं कंपोजिट मल्टी लेयर्स है। मल्टी लेयर कहाँ है, संस्कृत मल्टी लेयर हो नहीं सकती। अगर मल्टी लेयर होगी तो विभाजित होगी, और हमारी संस्कृति इसलिए नहीं विभाजित हुई कि दैट इज नॉट मल्टी लेयर, वो एकदम सिंगल लेयर है, एक ही है और वो अखंड है और वो अनवरत चलने वाली है। सभ्यता की दृष्टि देखिए, कहा सभ्यता क्या है भाई, सभ्यता वह है जहां लोग सभ्य हो। देखिए कितनी बड़ी बात, और सभ्य क्या है, तो सभ्य लोक समूहों के आचरण व्यवहार नियम उपनियम विधि विधान उत्पादन और पोषण के भाव को सभ्यता। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सिविलाइजेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, कैन सिविलाइजेशन डिफाइन इट, क्या जो मैंने अभी बताया कि हमारे ऋषियों ने सभ्यता को क्या कहा, क्या सिविलाइजेशन शब्द इसकी व्याख्या कर सकता है। ये भारत की दृष्टि है, और ये मैडम अनीता सेन गुप्ता जी चाहती थी कि ये दृष्टि हमारे सामने आए, इसी को रिवाइव करने की जरूरत है। अगर यह दुनिया को समझ में आ गया, ये चेतना समझ में आ गई, तो ये पैंडेमिक तो बहुत छोटी बात है। किसी भी प्रकार की कैलेमिटी, किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए हम तैयार होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि व्यापक होगी, हमारी दृष्टि वैश्विक हो जाएगी। तो महाभारत के उद्योग पर्व की मैं एक बात बताऊं, वो उद्योग पर्व क्या कहता है, न नह समितिम गच्छेत यश नो निर्वपेत कृषि। बहुत गौर करिएगा मेरी बात को, मैं सभ्यता की दृष्टि की बात कर रहा हूं। वह व्यक्ति सभा में बैठने लायक नहीं है जो खेतों में बीज वपन नहीं करता है। फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि सुनिएगा, कि वह व्यक्ति सभा में बैठने लायक नहीं है जो खेतों में बीज वपन नहीं करता है। और सभा किसको कहते हैं, सहभांति यस्याम सा सभा, सहभांति यस्याम सा सभा, जहां पर श्रेष्ठ लोग प्रज्ञावान लोग मंत्रणा करते हैं वह सभा है। एक तरफ बीज अगर नहीं बोने वाला व्यक्ति उस सभा में बैठा है तो उसको नहीं बैठने का अधिकार है, दूसरी तरफ प्रज्ञावान। आप देखिए है क्या कहना, क्या चाह रहा है ऋषि, कहना यह चाह रहा है कि यहां श्रम और बुद्धि, मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क दोनों की समान प्रतिष्ठा करता है। श्रम की मार्क्स पैदा हो गया दुनिया में, तो कहा कि उसने श्रम और वितरण के आधार पर बड़ा भारी सोशल साइंटिस्ट होने की थ्योरी दे दी। कौन सा सोशल साइंटिस्ट है भाई, यहां तो श्रम और प्रज्ञा, माओ से तुंग चीन में हुआ, कहा भी इसने कल्चरल रिवोल्यूशन किया। कल्चरल रिवोल्यूशन में क्या किया, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को खेतों में भेज दिया खेती करने के लिए। हमारे यहां तो सभ्य वही माना जाता है, सभ्यता उसी के द्वारा निर्मित मानी जा रही है जो खेतों में बीज डाल रहा हो और वह प्रज्ञा युक्त हो, वह सभा में बैठे। प्रज्ञा और खेती का बीज वपन दोनों को एक साथ ले आके बिठाया कि आप श्रम का समादर करिए, श्रम का समादर होना चाहिए क्योंकि वह पोषण करता है, और उसके साथ बुद्धि का भी समादर हो, दोनों बोथ आर द इक्वल अनइक्वल प्लेटफॉर्म। ये भारत की दृष्टि है, यह वैश्विक दृष्टि है, इसको समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र और लोक को लेकर के लगातार देखिए, जब आप वैदिक संहिताओं को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लोक ही वेदों में राष्ट्र है। अब एक नेशन स्टेट की थियरी, नेशन स्टेट ये सार्डिनिका है, ये सिसली है, ये स्पार्टा है, ये एथेंस है, ये ग्रीक थियरी का इम्पोजिशन हमारे ऊपर करने की कोशिश। नेशन स्टेट हम क्यों नेशन स्टेट को जाने, जानना हो तो आपने हमारे स्टेट को जानिए, आप हमारे राष्ट्र को जानिए कि राष्ट्र क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत यजुर्वेद का मंत्र है, मैं केवल उसका हिंदी वर्जन सुनाना चाहता हूं। कल्पना क्या है राष्ट्र को लेकर, अभी अनिता जी ने अपने प्रेम बिल में भी जो ब्रोशर का लिखा हुआ है उसने इसको कुछ इंगित किया है। हमारे राष्ट्र में तेजस ब्राह्मण, आप गौर करेंगे, शूरवीर, अस्त्र और शस्त्रों के ज्ञाता राजपुरुष, बहुत दूध देने वाली गौएं, बलशाली अश्व और पशु, वाहन, सर्वगुण संपन्न स्त्रियां, पुत्र रथी, सभ्य और यज्ञ वृत्ति वाले लोग हों, मेघ अपनी इच्छा से वर्षा करे, फल और औषधियां पोषणकारी हों, लाभकारी हों, और इन सबके योग से सभी लोगों का योगक्षेम पूरा हो। फिर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, सभी लोगों के सहयोग से योग और क्षेम पूरा हो, सबके योग से सभी लोगों का ये योग और क्षेम पूरा हो। ये नेशन था, ये राष्ट्र था। हमको नेशन स्टेट समझने की कहीं दूसरे जगह से जरूरत नहीं है। हमारे यहां राष्ट्र एक भाव भूमि है, वह एक चेतन स्थान है, वह अदृश्य स्वरूप आत्मा है। और राज्य क्या है, हम बता देते हैं कि भारत के चिंतन में नेशन स्टेट की क्या थ्योरी है। तो राष्ट्र अदृश्य आत्म स्वरूपा है, और जो राज्य है वह उसकी लौकिक व्यवस्था है। यह यूनान नहीं, पूरे वेस्ट को समझना है तो यह भारत से समझ ले। इस प्रकार के विराट चिंतन की उसका अल्पांश भी इन मुल्कों में नेशन स्टेट की थियरी को लेकर नहीं है, जिसको सबके ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है। और भारत, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या,
जो इतने विराट चेतना को लेकर के, और फिर राष्ट्र राष्ट्र और राष्ट्र का जीवन होना कैसे चाहिए, वो कैसा त्यागपूर्ण हो। यजुर्वेद कहता है तेन त्यक तेन भुंजित, कहते हैं भाई आप उपभोग करो, लेकिन उपभोग कैसे करोगे, त्यागते हुए उपभोग करो। आप सर्वांग उपभोग करने के लिए नहीं हो, साई इतना दीजिए जो हमें कुटुंब समाय, उससे ज्यादा हमको चाहिए ही नहीं, हम उससे ज्यादा की अपेक्षा ही नहीं करेंगे, नहीं चाहिए। पश्चिम की पूरी संस्कृति, भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इसको इंगित किया कि भोग की संस्कृति है हमारी, त्याग की संस्कृति है, इसको समझने की जरूरत है। और यह वैश्विक है, यही वैश्विक दृष्टि है। वेदों में और क्या कहा, मां घृदः कस्य स्विनिधं, पृथ्वी का धन किसी का नहीं है, यानी वो सबका है। अगर आप उसको अपना समझते हैं तो यह आप अत्याचार कर रहे हैं। मार्क्स उत्पादन और वितरण की कौन सी व्यवस्था दे सकता है इसके इतर। वसुधैव कुटुंबकम से बड़ा सोशल साइंटिस्ट का एक एक सामाजिक वैज्ञानिक होने का कौन सा चिंतन होता है, हो सकता है। यजुर्वेद कहता है विश्वम भवत्येक नीडम, पूरी दुनिया एक नीड़ है। अगर पूरी दुनिया को हमने एक नीड़ समझा, एक परिवार समझा, तो उसकी पवित्रता भी समझेंगे, उसके एकत्व को समझेंगे, उसकी एकात्मता को समझेंगे, उसके सहकार को समझेंगे। और ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन, विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन आतुरम। आप देखिए कितना खूबसूरत वर्ष है, कितनी अद्भुत छंद है कि विश्व रूपी गांव में, फिर मैं रिपीट करूं, विश्व रूपी गांव में, आज कहते हैं कि नाउ इट इज अ ग्लोबलाइज्ड विलेज। हम ये कॉन्सेप्ट है कि ये वैश्वीकरण के नाते, ग्लोबलाइजेशन के नाते पूरी दुनिया गांवड़ा हो गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से, आवागमन के, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इतने नजदीक हैं कि हम सब एक दूसरे से बहुत जुड़ गए हैं। हमारे यहां तो 10,000 पहले विलेज ग्लोबल की कल्पना है, विश्व रूपी गांव में सभी हृष्ट पुष्ट और आरोग्य हो, निरोगी हो। आप कोरोना को इनवाइट करते हो और हम आरोग्य की कल्पना करते हैं, हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन है। ऋग्वेद कहता है युव द्यावह वृहत राष्ट्रम इन्वत, हे इंद्र हे वरुण, युव द्विवचन का रूप है, आप दोनों ने जो इस वृहद राष्ट्र की निर्मित की है उससे हम बहुत प्रसन्न है। इन्वत, हमें आह्लाद हो रहा है, हमें तोष हो रहा है, हमें खुशी हो रही है। और इस राष्ट्र में, इस लोक में लोग कैसे रहे, समानो मंत्र समिति समाना, समानम मन सचित्त में साम, बचा क्या है, सब कुछ समान हो, इक्वल फुटिंग पर हो, हमारे चित्त समान हो, मन समान हो, क्रियाएं समान हो, हम कैसे सहचर भाव में रहें। यह जो दृष्टि है, यह वैश्विक दृष्टि है। और इसके पुनर्प्रस्थापन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए डॉक्टर सेन गुप्ता ने आज इस तरह की एक भव्य, एक अद्भुत और इस नए मानदंडों पर आधारित एक सेमिनार की शुरुआत की। पूरे मनुष्य की विकास की जो अवधारणा है, आप देखें ना कितने रॉन्ग प्रैक्टिस है जिसको हम समझते हैं कि हम ये आधुनिक हैं। और इसी आधुनिक पूरे पश्चिम में मानव संसाधन है। मैं क्षमा चाहता हूं कि भारत सरकार ने भी एक मंत्रालय का नाम रखा है मानव संसाधन। हमारे यहाँ मानव संसाधन नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि मानव तो चेतन रूप है, उसके अंदर आत्मा है, वो संसाधन कैसे हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। तो ये तो डार्विन की जो फिलोसफी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप कल्पना करें ना, वो कहता है कि भाई जो श्रेष्ठ नहीं है, यानी जो गरीब है, उसे तो सर्वाइव करने का भी अधिकार नहीं, उसे मर जाना चाहिए। जो फिटेस्ट है वही संघर्ष में सर्वाइव करे। केवल दुनिया उसी की है जो शोषण कर सके, जो संसाधनों पर कब्जा कर सके। हमारे यहाँ हम जो सोचते हैं, हमारा चिंतन तो समतावादी चिंतन है, हमारा चिंतन तो समग्र चिंतन है, लेकिन डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है। मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है, वैचारिक संघर्ष की बात करता है। हम वर्ग सामंजस्य की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो संघर्ष जैसा। और जहां पर विचारों की बात है, तो विभिन्न विचारों का हम स्वागत करते हैं, समादर करते हैं। वह एक ऐसी छतरी है, उस छतरी के नीचे मुंडे मतिर्भिन्ना, हम तो सभी का स्वागत करते हैं। और जो सामंजस्य है, वो सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहि, किस तरह से सहकार, और उस सहकार के आधार पर किस तरह से मनुष्य और उसके विकास की अवधारणा है, यह कभी भी डार्विन या वेस्ट नहीं समझ पाएगा कि भारत ने उस चेतन शक्ति और उसके आधार पर विकास का कौन सा मॉडल, कौन सा चिंतन विकसित किया। यह समग्र चिंतन है और आज इसको विश्व को जानने की आवश्यकता है। परिवार, बड़ी हंसी आती है, आपको भी थोड़ी हंसी आएगी। वेस्ट कहता है कि फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, मान लिया वो संस्था है। सॉरी मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि अनिता जी हमको बहुत बाद में डांटेंगी कि आपने बहुत समय ले लिया। तो वो कहा कि भाई स्त्री पुरुष मिलकर के इस इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं, ये तो हमारी धारा, हमारे चिंतन के बिल्कुल विपरीत बात। हम तो मानते ही नहीं कि परिवार स्त्री पुरुष बनाता है, हम तो ये मानते हैं कि परिवार संबंध बनाता है,
संबंधों की, रिश्तों की भाव भूमि पर परिवार बनता है। क्योंकि जब स्त्री अपना स्त्रीत्व और पुरुष अपना पुरुषत्व, पुरुषत्व को गलत अर्थ में यहां मत लीजिएगा, यानी पुरुष अपनी पुरुषता को और स्त्री अपने उस स्त्री भाव को, यानी स्त्री होने के अर्थ को छोड़ देती है, जब वो भावना और संबंध के स्तर पर आ जाती है तब हमारे यहाँ परिवार बनता है। हमारे यहाँ पुरुष परिवार में पुरुष नहीं होता, वो दादा होता है, वो काका होता है, वो मामा होता है, वो चाचा होता है, वो ताऊ होता है, वो भैया होता है, वो पति होता है। वैसे ही हमारे यहाँ स्त्री स्त्री नहीं होती, वो पत्नी होती है, वो सधर्मिणी होती है, वो बहन होती है, वो बेटी होती है, वो चाची होती है, वो काकी होती है। यह हमारे यहाँ परिवार को बनाता है और इस परिवार की जो चेतन सत्ता है, इस चेतन सत्ता को समझने की आवश्यकता होगी। और कोई व्यस्त क्या करता है, अभी कोई पश्चिम का आदमी आएगा और रास्ते में किसी से टकराएगा और अगर उसको रास्ता मांगना होगा तो कहेगा जेंटलमैन प्लीज प्लीज गिव मी द वे, जेंटलमैन, क्योंकि वो मैन और वुमेन से तो ऊपर ही नहीं उठ पाता है ना। हम जब किसी से रास्ता मांगेंगे तो समकक्ष होगी तो बहन कहेंगे, एल्डरली होगी तो चाची कहेंगे, और एल्डरली होगी तो दादी कहेंगे, दादी जरा रास्ता दे दीजिए प्लीज। यह चेतना के स्तर पर यह जो वैभिन्न है इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन वेस्ट ही समझ जाएगा उस दिन ये सारे झंझावात खत्म हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। आप वैसे ही समझ लीजिए ना, पैट्रियार्की का सिद्धांत आया ना, परिवार कैसा है, पितृ सत्तात्मक, कितना गलत ट्रांसलेशन, कितना गलत हम अनुवाद करके अपने सारे यूथ को, अपने सारे भावी पीढ़ी को हम भ्रमित कर रहे हैं। ये सत्ता क्या है, परिवार परिवार पितृ सत्तात्मक था वैदिक काल में, ये इतिहासकार लिखते हैं, हम उसको पढ़ाते हैं, परिवार मातृ सत्तात्मक है। सत्ता क्या है, सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता का अर्थ टू एक्वायर द रिसोर्सेस, संसाधन पर कब्जा स्थापित करना, यानी परिवार संसाधन है, या परिवार से संबंधित संसाधनों पर अगर पुरुष ने कब्जा किया तो पितृप्रधान हुआ, अगर स्त्री ने कब्जा किया तो स्त्री प्रधान हुआ, मातृप्रधान हुआ। हमारे यहाँ तो ये सत्ता पर कब्जा करने की कोई परंपरा ही नहीं। हमारे यहाँ क्या परंपरा थी, हम तो पितृ प्रधान और मातृ प्रधान कहते थे, हम पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक शब्दों में ही सारा अर्थ है और सारा भाव है, सारी चेतना है। हमने हमेशा, क्षमा चाहता हूं, प्रधानता का अर्थ है कि पिता हमारे परिवार का प्रधान है इसलिए पितृ प्रधान है, माता हमारे परिवार की प्रधान है इसलिए मातृ प्रधान है। सत्ता नहीं, वो पितृ सत्ता और मातृ सत्ता नहीं। और हर एक पालक में हमने पिता को देखा, इसलिए आकाश को पिता बनाया, ईश्वर को पिता बनाया, और हर एक वात्सल्य और ममत्व में हमने माँ को देखा, इसलिए प्रकृति को माँ कहा, पृथ्वी को माँ कहा, गौओं को माँ कहा। यह जब तक सोच, यह जब तक विचार, यह जब तक सार्वभौमिकता दुनिया को नहीं समझ में आएगी, दुनिया का भला नहीं होने वाला है। और त्याग के लिए क्या क्या किया परिवार में, त्यजेदेकं कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थं कुलं त्यजेत्, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे सर्व। आप देख लीजिए कैसे कुल के लिए व्यक्ति, गांव के लिए कुल, जनपद के लिए गांव, और किस तरह से आत्मार्थ के लिए सबको त्यागने की, सबको छोड़ने की बात। यह जो चिंतन है वो कितना सर्वकालिक है। नारी को कैसे देखता है भारत, नारी को लेके भारत का क्या चिंतन है, दुनिया भर का क्या है, ईश्वर को। अभी हमने कहा कि चूंकि पालक के रूप में जब भगवान ईश्वर को हमने देखा तो उसको पिता कहा, लेकिन जब उत्पादनकर्ता के रूप में, फर्टिलिटी के रूप में देखा, सृजनकर्ता के रूप में कहा तो ईश्वर को माता भी कहा। अथर्ववेद क्या कहता है, तुम स्त्री, ईश्वर तुम्हें स्त्री हो, तुम जातो भवस्य विश्वतो मुख। आप कल्पना करिए, पश्चिम क्या इसको समझेगा जो 15वीं शताब्दी तक ये मानता रहा कि स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं होते, वो पुरुष के कहां समान है। इसलिए वेस्ट में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट आया वो समानता को लेकर के आया, और उसकी कॉपी भारत में हो रही है कि हम समान अधिकार दो। भारत में समानता की बात कहां है, भारत में तो स्त्री अर्धांगिनी है, वामांगिनी है, सहधर्मिणी है, वो क्या नहीं है। रथ के दो पहिए हैं, यत्र नार्यस्थ पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता है, मार्कण्डेय पुराण में आ जाए तो स्त्री समस्ता सकला जगत सु त्वये क्या पुरितमं वै तत्वादि शक्ति है। अगर हम इस भाव को नहीं समझेंगे, अफसोस यही कि हम ही नहीं समझते। हमारे यहाँ भी कुछ बड़े फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्या भाई फेमिनिस्ट राइटर है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि फेमिनिज्म भारतवर्ष में क्यों जरूरी है, भारतवर्ष में फेमिनिज्म क्या, भारतवर्ष में तो एकत्व, एक साथ, एकता, एक ही, इतना जबरदस्त स्त्री पुरुष का सामंजस्य है, हाँ, परिवार के स्तर से लेकर के और बड़े चेतना के स्तर पर। हमें फेमिनिस्ट मूवमेंट की क्या जरूरत है, हमको उसको समझने की क्या जरूरत है। यूरोप समझे तो समझ में आता है, जहां नारी, जहां 18वीं 19वीं शताब्दी तक विमेन को वोटिंग राइट तक नहीं था। तो कहने का अर्थ कि अभी पर्यावरण की बात हो रही थी,
पर्यावरण पर बहुत एक एक लंबा सत्र हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। केवल एक 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 व्याख्या करना चाहता हूँ कि हमने प्रकृति को कैसे देखा, पर्यावरण को कैसे देखा। ईश्वर जब कुछ नहीं था सृष्टि में तो ईश्वर था, वो अकेला था, बहुत परेशान हुआ, कभी मैं अकेला क्या करूं, तो बड़ी तपस्या की ईश्वर ने। देखिए कैसे 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 व्यवस्थाकार समझा रहा अपनी बात। जब तपस्या किया तो प्रार्थना क्या किया, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, ठीक है बहुत हो जाओ। जब बहुत हो जाओ तो उसने क्या किया, उसने जगत बनाया और बनाने के बाद इस संसार में प्रविष्ट हो गया। इसलिए हमारा दर्शन कहता है कि संसार ईश्वर की प्रतीति है, अपीयरेंस, वह अनुभूति है ईश्वर की। उस तभी तो हम कहते ना जर्रे जर्रे में ईश्वर है, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस से कहती है हम हैं तो खुदा भी। तो यह जो कॉन्सेप्ट था, अब फिर उसने बनाया कैसे, पर्यावरण की रचना कैसे करता है, ये बहुत सुंदर एक एक छंद है। सबसे पहले ईश्वर ने आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से वनस्पति, वनस्पतियों वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पतियों से अन्न, अन्न से पुरुष यानी जीव, और ये सभी मिलकर के जो ये सारी सृष्टियां हैं ये मिलकर के पर्यावरण को निर्मित करती हैं। आप कल्पना करिए इतनी साइंटिफिक अभिव्यक्ति दुनिया के किसी भी परंपरा में, किसी भी चिंतन में, इवन साइंस में भी नहीं। और ये जितने तत्व हैं, पंचरचित है, अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश तत्व है तो ध्वनि प्रदूषण होगा तो उसकी रक्षा कैसे होगी, तो उसकी रक्षा रागों से होगी। आप देखिए कितनी खूबसूरत है, रागों के लिए क्या किया, पूरा गंधर्व शास्त्र बनाया। भैरवी राग को ऐसा नहीं कि आप दोपहर में गा देंगे, उसको भोर में ही गाएंगे। बादल राग गाने पर अगर तानसेन गाता था, वर्षा होती थी, तो इसका मतलब क्या है, कितना वो प्रकृति से उसका तादात्म्य था राग का। ये सारा का सारा फिल्ट्रेशन की थियरी थी। इसी तरह से वायु, इसी तरह से वायु की रक्षा कैसे होगी, तो यज्ञ की संविधा से, आप यज्ञ करके देख लीजिए। आप उसको मत मानिए धार्मिक कर्मकांड, बिल्कुल नहीं मानिए। जो संविधा बनती है उस संविधा को आप अग्नि में डालिए और उसको जलने दीजिए, और जलने के बाद उस जगह का टेम, इस पर बहुत बहुत रिसर्चे हुई है, लखनऊ में बहुत काम हुआ है, दिल्ली में बहुत काम हुआ है। आप देखिए कि कितना पर्यावरण प्यूरिफाई होता है और कितने दिन तक वो उसी रूप में स्टे करता है, ये भी महत्वपूर्ण। वो प्यूरिफाई ही नहीं होगा, वो प्यूरिफिकेशन हफ्ता दस दिन बना रहेगा, क्योंकि हम तो दिन रात प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी चेतना से हमने पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने की, इसी तरह से वायु की, इसी तरह से अग्नि की, इसी तरह से पृथ्वी की। पृथ्वी कितनी सुंदर बात है, एक छंद है कि अरण्यम ते पृथ्वी स्यो नमस्तु। आप कल्पना करें, हे वन, ये जो वन है ये पृथ्वी के लंग्स हैं, कभी इनका नुकसान नहीं करना, कभी इनको क्षति नहीं पहुंचाना। फेफड़े को कोई क्षति पहुंचाता है क्या, क्या तादात्म्य किया, कितना खूबसूरत पृथ्वी को बचाने का। और एक अथर्ववेद ने बड़ा सुंदर, इतना बढ़िया हमको एक स्थल मिला, एक व्यक्ति जो जमीन की खुदाई करता है बहुत आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन जब वो खोद देता है तो खोदने के बाद पृथ्वी को संरोहित करने की प्रार्थना करता है, कहता है कि हमको बहुत जरूरत थी इसलिए आज हमने गड्ढा खोदा, हे पृथ्वी तुम जल्दी संरोहित हो, जल्दी से इसको भरो, क्योंकि हमने बहुत बायोडाइवर्सिटी का विनाश किया और तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई। यह जो वेदना है, यह जो संवेदना है प्रकृति को जीने की, प्रकृति को आत्मसात करने की, प्रकृति और पुरुष ये इन दोनों में पार्थक्य नहीं है, इसके एकत्व को समझने की, यह जो पीड़ा है, यह जो वेदना है, यह जो संवेदना है, यह जो दृष्टि है, यह दृष्टि वैश्विक है। और आज अगर ये दृष्टि समझ में आ गई होती तो ये कोरोना नहीं दिखता, कोई भी इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी हमारे पास नहीं दिखती। और अब तो कहा जा रहा है कि भाई अब तो कुछ समय में हमारे पास खाद्यान्न का संकट होगा। खाद्यान्न का संकट मैं बता दूं आबादी के नाते नहीं हो रहा, जो हमने फसल चक्र को बदल दिया है उसके नाते हो रहा है, हम कैश क्रॉप उगाने लगे। वेदों में क्या कि अन्नम ही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न को ब्रह्म की चेतना से समीकृत किया। आप उधार देखिए, अन्नम ही तद्व्रतम, अन्नम ही बहुकुर्वी, कितने कितने में कितने स्थल का उदाहरण दूं आपको। और पर्यावरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वरेण्यम पर्यावरणम यजामहे। कितनी सुंदर बात है कि इस पर्यावरण की हम सभी को ट्रस्टी के रूप में रक्षा करनी चाहिए भावी पीढ़ी के लिए, यानी हम इसको सुरक्षित रखें और सुरक्षित पर्यावरण को भावी पीढ़ी को दें। पूरे वेस्ट ने इसको दोहन का आधार बनाया और कभी नहीं समझा कि इसका पोषण भी हमारा धर्म है, इसका संरक्षण भी हमारा धर्म है। तुम उससे जीवन, तुम उससे सारे साधन ले रहे हो और उसका संरक्षण नहीं कर रहे, पोषण नहीं कर रहे। शांति की भी परिकल्पना हमने किया तो शांति के बारे में क्या सोचा, शांति के बारे में हमने समग्र शांति की जो परिकल्पना की उसमें किसके शांति की नहीं बात की,
देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषादेह शांति, वनस्पतिः शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, शांतिरेव। आप देखें कहां दुनिया में किस पीस की बात होगी। आज के दौर में भी जो इस पीस को समझेगा वह क्या चीज नहीं समझ लेगा। कहां मारकाट होगी। इतनी बड़ी सुदीर्घ भारत की ज्ञान परंपरा है। अगर ज्ञान परंपरा की बात करूं तो मैं कई दिन करता रहूंगा। सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि विद्यते ज्ञायते लभ्यते वा एभि धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदा। वेद क्या? तो जिससे धर्म और पुरुषार्थ दोनों की शिक्षा प्राप्त हो। धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे हमको भौतिक समृद्धि भी मिले और निःश्रेयस भी मिले। आप देखें पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ कामोक्ष, धर्म आधारित अर्थ। अगर धर्म आधारित अर्थ हो गया तो फिर दोहन की बात कहां से आएगी। धर्म आधारित अगर काम हो गया, काम का अर्थ यहां केवल संभोग नहीं, काम का मतलब अर्थ यह है एक्ट ऑफ द लाइफ, जीवन की क्रिया, जीवन की सभी क्रियाएं काम के अंतर्गत आती हैं। यदि धर्म आधारित अर्थ है, धर्म आधारित काम है, यानी तीनों सम्यक है, तो मोक्ष तो स्वतः है, क्योंकि वह तो साध्य, वह तो लक्ष्य है, वह तो साध्य मूल्य है। ये जो तीन मूल्य हैं धर्म अर्थ काम, ये तो साधन मूल्य है। अगर साधन मूल्य में सम्यकता है, उसमें समानता है, वह बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो जो करना चाहिए वो उससे हो रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो स्वतः है, मोक्ष तो अपने आप मिलेगा। और कितना ज्ञान को कितना महत्व दिया गया कि आश्रमों की स्थापना किया तो पहला आश्रम ज्ञान से जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ऋणों की स्थापना किया तो पहला ऋण ऋषि ऋण ज्ञान से जोड़ा, क्योंकि उसकी आपकी मुक्ति तभी हो सकती है, आप उस ऋण से तभी उऋण हो सकते हैं जब आप ज्ञानवान हो जाए, तभी ऋषि ऋण से। तो संपूर्ण भारत ज्ञान की परंपरा में। और एक जगह बहुत बढ़िया, वेद अपने आप से सवाल करता है कि वेद में वेदता क्या है। तो वेदता का एनम एनम विदंति वेदेन तस्मात वेदस्य वेदता, कहता है कि भाई जो प्रत्यक्ष और अनुमान, ज्ञान की दो शाखाएं हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, जो ज्ञान इन दोनों से न प्राप्त हो वह वेदों से प्राप्त हो जाता है, यही वेद की वेदता है। कितना वेद, उपनिषद, आरण्यक, धर्म धर्मसूत्र, वेदांग, अनुक्रमणी ग्रंथ, प्रातिशाख्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, बाद में आ जाइए तो चरित काव्य, परवर्ती साहित्य, इतनी बड़ी परंपरा है ज्ञान की। और ज्ञान का चरमोत्कर्ष अगर देखना है तो भारतीय दर्शन देखिए। सांख्य क्या कहता है? प्रकृति पुरुष के संयोग की बात करेगा। फिर यहां देखिए इसमें नेचर का भी प्रोटेक्शन हो रहा है, और कैसे दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, और इन्हीं दोनों के संयोग से जगत व्यक्त होता है। अगर प्रकृति अकेला कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं करेगी, पुरुष अकेला करना चाहे तो कुछ नहीं करेगा। क्या खूबसूरती से उस परंपरा को, श्रेष्ठता को स्थापित कर रहा है सांख्यकार कपिल। न्याय का क्या करता है? वो प्रमाण की बात करेगा, तर्क की बात करेगा, बुद्धि की बात करेगा, रेशनेल की बात करेगा, वो रीजनिंग की बात करेगा, वो लॉजिक की बात करेगा। यह प्रमाण है, यह न्याय है। वैशेषिक क्या करेगा? तो वो पदार्थों की तात्विक व्याख्या करेगा। आप सुनते जाए, योग क्या करेगा? तो योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। योग कर्म से कौशलम, कर्म में कौशल्य प्राप्त करना योग है। आप देखिए किस तरह से ज्ञान की प्रतिस्थापना हो रही है। वेदांत पूर्व मीमांसा क्या करेगा? तो अथातो धर्म जिज्ञासा, जो धर्म की जिज्ञासा को परिशांत करे पूर्व मीमांसा है। वेदांत क्या है? तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा को परिशांत करे वो वेदांत है। इसी प्रकार न जाने कितने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, जबरदस्त परंपरा। और नास्तिक धर्मों की श्रेणी ले लीजिए, जिसको भारतीय ऋषियों ने नास्तिक धर्म का आचारवाद, तो मार्क्स और हीगल भी वह भौतिकवाद का सिद्धांत नहीं दे पाए जिसने चार्वाक ने दिया। चार्वाक भी हमारे यहाँ ऋषि कहा गया। का यावत जीवित सुखम भी, वो यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम, माने पराकाष्ठा कर दिया उसने, सुख ही चरम धर्म है और जैसे चाहे सुख ले लीजिए। कौन है? बुद्ध और महावीर ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा अहिंसा है, करुणा की बात कही बुद्ध ने, दुख के सत्ता की बात की, और क्या कहा? सम्यक्ता की बात किया, सम्यक समाधि, सम्यक त्रिज्या, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक समाधि। जीवन कैसे सम्यक हो सकता है? आप कल्पना करेंगे अगर सच में हमारा जीवन सम्यक हो गया तो आज ये हमको इससे कम्बैट करने की कोरोना से कोई आवश्यकता है? सम्यकता ही तो नहीं है इसलिए कोरोना है, और सम्यकता ही नहीं है इसीलिए किसी भी प्रकार का डिजास्टर है दुनिया में। अगर ये सम्यक हो जाए, जैन क्या कहता है? पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत, सत्य हिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, कितनी बड़ी बात है। अपरिग्रह हम धन का संचय नहीं करेंगे, लेकिन अस्तेय भी नहीं करेंगे, माने चोरी तो छोड़िए, अस्तेय का अर्थ यह है कि बिना आपकी अनुमति के आपका धन हम छू भी नहीं सकते।
यहाँ तो रोज इंपीरियल पावर अटैक करके भारत को अपने में मिला लेना चाहती है। हाँ, दुनिया भर के तमाम मुल्क नजर लगाए हुए हैं, दुनिया भर के तमाम मुल्कों पर। यह सम्यकता कहाँ है? यह अस्तेय कहाँ है? अगर यह भारत की अस्तेय की दृष्टि विश्वजनीन हो जाए तो दुनिया कहाँ खड़ी होगी? दुनिया में किस प्रकार का सहमाना भाव होगा? आप सोचें, पश्चिम ने जब सुख के बारे में सोचा तो उसने हेडोनिज्म की थ्योरी दी और कहा, बेंथम ने भी क्या है, मिल ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये आपकी पराकाष्ठा है। हम बताते हैं हमारे सुख की क्या पराकाष्ठा है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, दर्शन वहां मौन हो गया। नीचे क्या कहा? सुपर ह्यूमन थ्योरी। कहा हम मानव हैं, अति मानव हो जाएं, यानी और ज्यादा थोड़ी शक्तियां हम पालें, बस सब खत्म। भारतीय चिंतन में क्या, हमने पहले कहा कोहम से सोहम तक किया, हम तो वही हैं, हमको सुपर ह्यूमन नहीं बनना, हमको तो तुम ही बनना है जो तुम हो, जहां से हम आए हैं। अगर ब्रह्म से हमारी निष्पत्ति है, उत्पत्ति है, तो हमको उसी में विलीन होना है, उसी में एकाकार होना है। हमको थोड़े पावर्स नहीं गेन करने, हमको संपूर्ण चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे अंश हैं, और अंश जाएगा तो अपने सर्वांश में जाएगा, वह बीच में खंडित अवस्था में नहीं रहने वाला। हमारी तो इतनी बड़ी यात्रा है, और इतने नहीं, उत्स में अवसान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम एकाकार हो जाना, आत्मनिष्ठ हो जाना, अपदीपो भव, आत्मस्थ हो जाना, एक हो जाना, अपने में हो जाना, अपना ही हो जाना, अपने को जान लेना। यह हमारे यहां जो परंपरा थी खुद को समझने की, यह कभी भी पश्चिम उस सुखवाद, और सुखवाद की मैं बात कर रहा हूं जिसको आपने सुख कहा, भारत में सुख की परिकल्पना नहीं, भारत में सुख के ने चार्वाक की बात किया, वो तो बिल्कुल सुख के अतिशय स्टेज पर पहुंच गया था, लेकिन हमारे यहाँ भारत ने सुख नहीं, भारत ने आनंद चाहा। और आनंद क्या है? मोक्ष परम आनंद है। और आनंद क्या है? सत्य शिव और सुंदर के स्वरूप अज्ञान आनंद है। इतना बड़ा आनंद है, इस आनंद को समझना, इसी को समझ पाना आनंद और चरम आनंद की प्राप्ति है। इसलिए कहीं भी पश्चिम का जो सुख का सिद्धांत है वो भारत के आनंद के सिद्धांत को नहीं समझ सकता। आज आवश्यकता है दुनिया को भारत के आनंद को समझाने की। अगर भारत में शिक्षा की परंपरा हम देखें तो क्या अद्भुत रही है। तत्कर्मम यन्बन्धनाय साविद्याय विमुक्तये ऋते ज्ञानाय मुक्ति। आप समझिए ना, सभी जो कर्म बंधनों से मुक्त कर दे, और जो रितंभरा प्रज्ञा से, रितंभरा प्रज्ञा की दिव्यता हमको प्रदान करे, वह शिक्षा है। और हर चीज में पश्चिम में जब WTO ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, विश्व व्यापार संगठन, तो उसमें गेट्स का एक प्रोविजन जोड़ा, कहा कि दुनिया की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की शिक्षा सर्विस है और हम भी प्रोवाइड करेंगे, जबकि आपने भारतीय शिक्षा का हेतु नहीं समझा। भारत में आकर के भारत से लाभार्जन करके वेल्थ ड्रेन करके बाहर ले जाने का सपना था, लेकिन भारत की शिक्षा को, भारत की शिक्षा के, मैं बार बार कहता था कि जब भी कोई इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता का शिक्षा में प्रवेश होगा तो टकराव हमारे शैक्षिक दर्शन से होगा। भारत में शिक्षा, भारत में किसी भी प्रकार की शिक्षा बांटने से पहले भारत में शिक्षा का दर्शन था क्या, इसको समझना आवश्यक है। हमारे यहाँ विद्या क्या करती है? विद्या दत्ताती विनियम विनियात यात पात्रता पात्रत्वा धनम आपनो तथा धर्म तथा सुखम। हमारे यहाँ विद्या ये देती है, और सब कुछ धर्म से। धर्म जब हम प्राप्त करते हैं तो धर्म क्या है? धर्म श्रेष्ठ कर्म है, उदात्त कर्म है, जीवन बोध है, मूल्य है, उसको हम धारते थी धर्म। जो हम धारण करते हैं, धारण क्या करते हैं? श्रेष्ठ कर्म धारण करते हैं। और नैतिकता का मानदंड हमारे यहाँ सर्वोच्च था। ऋग्वेद ने ऋत की कल्पना की, ऋतस्य गोपा, कहा वरुण उसका देवता है, और जब कुछ नहीं था तो उसने कहा तब भी प्रकृति में ऋत था, एक नैतिक व्यवस्था थी, एक मॉरल अरेंजमेंट था, और उस नैतिक व्यवस्था से ये दुनिया चल रही थी, संचालित हो रही थी। तो हमारे यहाँ नैतिकता तो सर्वोच्च स्तर पर है। हमारी शिक्षा संस्कारों की शिक्षा देती है, षोडश संस्कार है, संस्कार में वानप्रस्थ और सन्यास भी। वानप्रस्थी और सन्यासी होकर के कैसे जगत का कल्याण करेंगे? यह हमारे यहाँ सारी परंपरा में लोक कल्याण नहीं, बिना लोक कल्याण के किसी भी ट्रेडिशन का हमने वेलकम नहीं किया, किसी भी परंपरा का स्वागत नहीं किया। जब शिक्षा में समावर्तन आता है, जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके घर को जाने लगता है गृहस्थ आश्रम में, तो समावर्तन के समय जो मंत्र है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो मंत्र क्या कहती है? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, अपने स्वाध्याय पर प्रमाद मत करो, एष आदेश है, एष उपदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है, एष वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद है, एतद् अनुशासनम, यही अनुशासन है, यह जीवन का अनुशासन, यह सर्वांग जीवन अनुशासन, यह सर्वांग जीवन मूल्य, यह देख करके हम विद्यार्थी को। और अंतिम संदेश क्या देते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी का वो समझो, कुछ नहीं है। यह भाव अगर जगत में आ जाए
तो खराब पीपी किट बेच करके पैसा कमाने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। यह हमारी शिक्षा देती है, वो एकत्व का दर्शन कराती है, उस होलिस्टिक चिंतन का दर्शन कराती है, सर्वकालिकता और सार्वभौमिकता का दर्शन कराती है। इसलिए भारत की शिक्षा परंपरा को भी समझने की जरूरत है। कलाओं की बात चलिए कर लेते हैं, 64 कला की बात है, मैं बिल्कुल नहीं बात करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत समय लगेगा। केवल एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कला किसी के लिए केवल एक विधा हो सकती है, स्टाइल हो सकती है, वेस्ट के लिए कला मनोरंजन का साधन है, भारत के लिए कला तत्वबोध है। ये फर्क कितना बड़ा है, और कुछ नहीं, और ये लोक कल्याण का साधन है। कला यूं ही नहीं है, मनमानी नहीं है, लोक कल्याण का साधन। नाटक को देख लीजिए, नाटक तो आप कहेंगे भाई नाटक क्या है, नाटक एक विधा है। उसके लिए कहता क्या है ऋषि, लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। नाटक का निहितार्थ शुद्ध रूप से लोक कल्याण है। और क्या कहता है, नतत गानम नतत शिल्पम नासा विद्या नासा कला नासा योगो नतत कर्मम यन नाट्यस्मिन न दृश्यते। करे नाटक है क्या भाई, नाटक में ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं है, न होने की परिकल्पना करता और कहता है कि नाटक में ज्ञान है, शिल्प है, विद्या है, कला है, योग है, कर्म है, यह सब कुछ है, वो नाटक है। आप कल्पना करें दुनिया में वेस्ट में प्ले को क्या समझा जाता है, केवल एक डैश का प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म का एक एक्ट है, आप एक्शन करते हैं, ठीक है कुछ मैसेज गिविंग हो सकता है वो, लेकिन यह जो छतरी है प्ले को समझने की, संगीत क्या है, संगीत का मूल क्या है, संगीत का मूल नाद है। और योग शास्त्र नाद को क्या कहता है, नाद ही ब्रह्म है, यानी संगीत का आधार क्या हो गया, ब्रह्म, नाद ब्रह्म की बात करता है। और ये सर्वोत्कृष्ट चेतना है। संगीत रत्नाकर में एक बात आती है, नादेन व्यंजते वर्ण पद वर्णात पदाद्वच वचसो व्यवहारो अयम नादाधीन मतो जग। इतना खूबसूरत है, नाद से कैसे, नाद से वर्ण पैदा होता है, अक्षरमाला, वर्ण से पद शब्द आता है, पद से वचन, आप समझिए वाक्य वाणी, वचन से व्यवहार। इसलिए सारा संसार नाद के अधीन है, और नाद ही संगीत का मुख्य उपादान है। आप कल्पना कर सकते हैं संगीत को इस तरह से सोचा गया हो कि किस तरह से लोक कल्याणकारी और लोक रक्षण की प्रवृत्ति के रूप में संगीत को देखा जाए। यहाँ तो वेस्ट में तो संगीत केवल एक आर्केस्ट्रा है, एक विधा है। प्रतिमा शास्त्र देख लीजिए, मूर्ति शास्त्र देख लीजिए, सम्रांगण सूत्र कहता है कि भाई कोई भी मूर्ति कितनी भी खूबसूरत क्यों न बनी हो, लेकिन अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो पूजनीय नहीं है। बुद्ध चरित्र में कहता है स्वर्ण भ्रम वारणवस्ती कोशम सबुद विश्वम राजसुतम ददर्श, कितनी बात करें वो पूरी प्रतिमा विज्ञान है, प्रतिमा शास्त्र है, मूर्ति शास्त्र है। मकबूल फिदा हुसैन की तरह स्वतंत्र नहीं था मूर्तिकार की सरस्वती को नंगा बना देगा। यह वेस्ट का इम्पोजिशन है कि इस प्रकार के भी कलाकार पैदा हो रहे हैं जो किसी भी परंपरा आस्था और उसके पीछे छुपे हुए दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। यहां तो शास्त्र सम्मतता ही सब कुछ थी, अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है तो प्रतिमा विज्ञान भी व्यर्थ है, कुछ भी नहीं। साहित्य दुनिया के लिए क्या है, वो केवल प्रोज पोएट्री और एक ड्रामा है, व्यंग है। भारत में साहित्य क्या है, साहित्य भाव साहित्यम और हितेन सह्य तत्सहितम। अब कितना सुंदर है कवि, साहित्य का हेतु क्या है, क्यों साहित्य रचा जाता है, इसलिए रचा जाता है तो विश्व कल्याण का साधन बने। और अगर विश्व कल्याण का साहित्य साधन नहीं है तो साहित्य नहीं है। और मम्मट तो और आगे जाके कहते हैं शिवेत रक्षित, शिव की तरह यह कल्याणकारी हो, शिव जितना कल्याणकारी है उस तरह के यदि साहित्य कल्याणकारी है। और इसी नाते भारत में साहित्य की बड़ी लंबी, मैं बिल्कुल नाम नहीं गिनाना चाहता हूं। एक मिनट अर्थ चिंतन की बात करूं, क्योंकि अनिता जी ने अर्थ चिंतन पर भी कुछ कहा था, मैं बता दूं अनिता जी आपको कि एडम स्मिथ क्या कहता है कि अर्थ का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। इतनी संकुचित, इतनी छोटी परिभाषा अर्थशास्त्र की, यह भारत के चिंतन में कहीं नहीं। भारत में तो प्राप्त करना और उसके साथ साथ उसका संरक्षण करना, ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। कौटिल्य क्या कहता है, पृथ्व्याः लाभे पालने च यावन्त अर्थशास्त्राणि, कहता है कि पृथ्वी का लाभ पाना और उसकी रक्षा करना, ये सब अर्थशास्त्र के विषय हैं। अब देखिए भारत में अर्थ का चिंतन क्या है, अर्थशास्त्र का चिंतन क्या है, वो किस तरह से पोषणीय है और पश्चिम का कैसे शुष्क है और संसाधनों पर कब्जा करने वाला है, दोहन करने वाला है। शुक्र नीति साथ क्या कहती है, अर्थ अनर्थो तू वार्तायाम, यानी यह केवल अर्थ का शास्त्र नहीं भाई, यह अनर्थ का निवारण करने वाला भी शास्त्र, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और चाणक्य ने तो कहा कि जिस शास्त्र के अंतर्गत भूमि धन पशु विद्या कला कृषि व्यापार सब आए और शोषण ना हो, वो तो जब टैक्सेशन की बात करता है तो कहता है केवल 5% आप आंतरिक और 10% जो बाहर से चीजें आए केवल इतना ही कर लेंगे। हाँ, शुक्र नीति ये जरूर कहती है कि कृषक को दोगुना लाभ मिलना चाहिए,
इसीलिए उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान था, इसीलिए बीज वपन करने वाला सभा में बैठने का अधिकारी था। यह जो चेतना थी पूरे अर्थव्यवस्था को लेकर के, वह दुनिया में अर्थ को लेकर के, अर्थ का जो चिंतन था वो पूरी तरह से भोग का चिंतन है, और हमारे यहाँ पूरी तरह से पृथ्वी से लेना लेकिन उसका पोषण करना, उसका संरक्षण करने का चिंतन है। और ऋग्वेद तो यहां तक कहता है केवलाद्यो भवति केवलादि, भाई अगर अकेला खाने वाला व्यक्ति कोई है सोचता है कि सारे साधन सारे उत्पाद को हम अकेला खा जाएं तो महापापी है। और कैसे 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 देखिए, वितरण की व्यवस्था को, त्याग को, समाज में सहकार को, सोशल कंसर्न को, सोशल कंसर्न आज दुनिया में सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे हर पूंजीपति सोचे कि सामाजिक उसका कुछ दाय भी है, वह सामाजिक रूप से भी उसको कुछ करना चाहिए। यहाँ अर्थर्वेद क्या कहता है, शतहस्तम समाहर सहस्त्रहस्तम संकीर, 100 हाथों से पैदा करो, अर्जन करो, कमाओ, लेकिन बांटो 1000 हाथ से, यानी कमाने वाला हमेशा कंगाल रहे, वो संग्रह नहीं कर सकेगा, अपरिग्रह अपने आप आ जाएगा। 100 हाथ से कमाएगा और 1000 हाथ से बांटेगा तो अपरिग्रह तो स्वतः आ गया ना। और धन धन के वितरण के भाग बताए, कहा धर्म यश अर्थ काम और स्वजन, बांट दीजिए, आप देखिए आप कहां से संग्रह कर पाएंगे, कहां से संसाधन पर वर्चस्व स्थापित करेंगे, कितना कितना, जिसको कहते हैं कि उत्पादन और वितरण की एक समन्वित और कितनी अद्भुत मानवीय व्यवस्था थी, जो बिना किसी दबाव के करने के लिए धर्म का आधार लिया जाता था, धर्म का हेतु दिया जाता था कि इस आधार पर आपको इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। यहां तक कि राज्य और राजनीति के मानदंड देखेंगे, राज्य का आदर्श देखेंगे। मैत्राणी संहिता कहती है कि हलवाहे को अगर कौवा चोंच मार दे तो दायित्व राजा का है। अब तो सामूहिक बलात्कार भी हो जाता है तो राज्य उसका दायित्व लेने को तैयार नहीं, उसका बहस होती है, उसे पैनल बैठता है। और राज्यादर्श क्या था, तो राम राज्य का दैहिक दैविक भौतिकता, त्रितापों से मुक्ति ही राम राज्य है। इतना श्रेष्ठ आदर्श, धर्मेणैव प्रजा सर्वरक्षति स्म पूर्वकम्, कितनी खूबसूरत बात है, धर्म से ही प्रजा परस्पर एक दूसरे की रक्षा कर ले, धर्म मूल में। तो धर्म हमारे चिंतन का आधार था, और धर्म क्या था, धर्म श्रेष्ठ कर्म था, हमारी ड्यूटीज थी। और जो हमारे यहाँ स्टेट ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, वो स्टेट ओरिजिन का डिवाइन कॉन्सेप्ट है, वो कबीलाई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सोशल कॉम्प्रोमाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, सामाजिक समझौते का, और कभी भी सेमिटिक रिलीजन इस बात को नहीं समझ पाएंगे, भारतीय धर्म को नहीं, क्योंकि रिलीजन तो उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाएगा, वो रिलीजन की सीमा नहीं है कि भारतीय धर्म की व्याख्या करे। एकम सदवि प्राह बहुधा बदंती, ये हमारे धर्म की चेतना थी। और राज्य की ड्यूटी कितनी बड़ी थी, वो कहता है एक जगह राजा दिलीप के कार्यकाल की घटना का वर्णन करता है ऋषि, और कहता है भाई जो श्लोक रचयिता है कि भाई उनके कालखंड की क्या बात करना, अगर नारी उद्यान में थक करके सो जाती थी तो हवा की हिम्मत नहीं थी कि उसके आंचल तक पहुंच जाए, उसके वस्त्र को स्पर्श करे, मनुष्य क्या कर सकता है। आप कल्पना करें, यह माने ये स्टेट प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स द वीमेन, नारी का संरक्षण और प्रोटेक्शन राज्य को कैसे करना चाहिए, एक नहीं पूरा भरा हुआ है। महाभारत का शांति पर्व उठा लीजिए, भरा हुआ है स्त्रियांचल, वो ये है कि भाई किस तरह से स्त्री बिना पुरुष के अपने अलंकारों को अपने आभूषणों को पहन करके जा सकती है और कोई न छेड़े, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य को निर्धारित करनी चाहिए। राजा का जो महत्व है वह कालस्य कारणम है, वह ईश्वरीय है, लेकिन कौटिल्य कहता है कि राजा भृत्य भी है, वह दास है, इसलिए कि प्रजा उसको अपना एक भाग देती है। और राज्य की लाइबिलिटी, राज्य आप देखिए ना, यथा राजा तथा प्रजा, यानी अगर राजा ठीक है तो प्रजा ठीक है, भारतवर्ष में ये चेतना थी, अगर राजा ठीक है तो प्रजा ठीक है, यानी राजा को ठीक होना, राजा को उदात्त होना, श्रेष्ठ होना, आचारवान होना आवश्यक है। बेस्ट क्या कहता है, पीपल गेट द गवर्नमेंट एज रिजर्व, ठीक उल्टा, राज्य अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो कहता है जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। ये चेतना ठीक बदल करके भारतवर्ष को, दुनिया को इस भारतीय चेतना को बताने की आवश्यकता है। यह विश्व जनीन दृष्टि है भारत का, यह सर्वांगीण दृष्टि है भारत का, यह भारत, यह आइडिया ऑफ इंडिया है। और जहां तक जीवन शैली की बात है, सिर्फ 2 मिनट में मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, कि स्वास्थ्य चिंतन की बहुत लंबी परंपरा रही। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद रोगों के निवारण का केवल ग्रंथ और पैटर्न नहीं, वह आयुष्य का वेद है, आपके जीवन को सुरक्षित रखने का वेद है, आप स्वस्थ रहें इसका वेद है।
या अथर्ववेद से पैदा हुआ है और स्वस्थ रहने की सारी क्रियाएं बताता है, आदर्श जीवन शैली की बात करता है जो आज की सबसे जरूरत है। चरक और सुश्रुत, एक फादर ऑफ मेडिसिन, एक फादर ऑफ सर्जरी, आप देखेंगे बहुत बहुत बड़ा है। अब मैं इस पर जाना नहीं चाहता कैसे कैसे रस, कैसे रस रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, और उसके बाद कहते हैं कि मन। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य एक चेतन रूप है, मनुष्य एक शरीर नहीं है, मनुष्य एक चेतन रूप है क्योंकि उसके अंदर आत्मा का वास है। और जब यह समझेंगे तो हम मानवीय संवेदना को समझ पाएंगे, स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों को समझ पाएंगे जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में है। पूरी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, और अगर इन दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का ठीक से अनुपालन करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की आवश्यकता होगी। और इनके अनुपालन करने के लिए अगर कोई व्याधि युक्त शरीर हो जाए तो पंचकर्म का सिद्धांत है, आहार का बड़ा विशद विश्लेषण है। दुनिया में रस चार प्रकार के लोग जानते हैं, आयुर्वेद छह प्रकार के रसों की बात करता है, 12 प्रकार के आहार द्रव्य की बात करता है, बहुत डिटेलिंग है। और महाकवि भास्कर देखें तो किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, ये वही परंपरा थी जो भास तक पहुंचती है और वो जनता तक पहुंचती है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे जेठे पंथ असाढ़े बेल, सावन सागन भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जरा पूछे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो ये 12 देह बचाए ताघर वैद्य कभो न बुलाए। अब कल्पना करिए, यह जो है इसी तरह से भोजन के साथ सात्व की बात रिलेट करता है, कंपेटेबिलिटी की बात करता है। जैसे कंप्यूटर का जो हर वर्जन हर प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं होता, उसी तरह से शरीर हमेशा हर चीज के साथ कंपेटेबल नहीं हो सकता। तो सात्व के लिए कहते हैं देह सात्व, देश सात्व, ऋतु सात्व और रोग सात्व। किसके साथ क्या खाना क्या पीना, यह सारा का सारा अनुपालन की व्यवस्था, कौन धारणीय है कौन अधारणीय है, यह बहुत डिटेलिंग है। अथर्ववेद में तो वायरस से लेकर के, विषाणु से लेकर के, बैक्टीरिया, उससे फैलने वाले रोग, उसका निदान, महा बहुत बहुत दर्जनों प्रकार के फीवर, ये सारा है। और इस सारे के अनुपालन के साथ साथ आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसकी सारी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के लिए जो योग है वह कितना महत्वपूर्ण है, आजकल आयुष मंत्रालय से लेकर के दुनिया में बड़ी इसकी चर्चा हो रही है, और इसके लिए योग शास्त्र तमाम निर्देशक तत्व देता है। और योग, योगम प्रपद्ये क्षेमम च, क्षेमम प्रपद्ये योगम च, केवल हम इतना जान लें कि हम योग से क्षेम और क्षेम से योग की रक्षा करते हैं तो हम समझते हैं कि योग की परिभाषा को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, योग के 8 अंग हैं और वो पूरी प्रक्रिया है किस प्रकार से योग आपके मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। सिर्फ और सिर्फ बहुत तेजी से मैंने केवल विषय को स्पर्श करने की कोशिश किया और क्षमा चाहता हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने समय का अतिक्रमण जरूर किया, लेकिन केवल यह बताना चाह रहा था, सोच रहा था कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि मैं विषय के साथ न्याय करूं और यह बता सकूं कि दुनिया को आज भारत की दृष्टि की कितनी आवश्यकता है और उस दृष्टि को रिवाइव करने की हमको कितनी जरूरत है, जो एक संगत जीवन देगा, सुसंगत मानवता को रखेगा और सम्यक प्रकार से जीवन का निर्वाह करते हुए इस दुनिया में सम्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित करेगा, सिद्धांत को ले जाएगा, दुनिया सुखी होगी और इतनी सुखी होगी कि वह सुख से ऊपर आनंद की अनुभूति करेगी। यह भारत की दृष्टि है जो वैश्विक है, जो सार्वभौमिक है, जो सर्वकालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, एंड रियली मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ समय का अतिक्रमण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मुझे लग रहा है मैंने बीज वक्ता के रूप में जो आपसे मैंने वचन लिया था कि आप ही बोलेंगे, कोई गलत काम मैंने नहीं किया। पता नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। ये तो प्रोफेसर शर्मा जी का, क्योंकि आपने भी कहा था मैडम आपको मैं झुकने नहीं दूंगा, आप जाने रहिएगा, तो मैं आपके आपके भारतीय संस्कृति के किसी एक पक्ष को नहीं छोड़ा सर। आप हम से सो हम तक सारे को लिया, आपने सभी दर्शनों को लिया, भारतीय साहित्य को लिया, संगीत को लिया, सर कोई ऐसा पक्ष नहीं जिसको आपने स्पर्श नहीं किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शायद इससे बढ़िया हमें बीज वक्ता कभी ना मिलता जो आप थैंक यू सो मच। के बारे में केवल मैं इतना बताना चाहूंगी सर कि हमारे भारतीय दर्शन में पुरुष है क्या, पूर्ण शरीर को सप्तमी विभक्ति में अगर प्रयोग करेंगे तो पूरी अर्थात शरीरे शेते इति पुरुषः, पुरुष हम
आत्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। पुरुष कोई मेल नहीं है, नहीं, yes, exactly. नहीं है। पुरुष सबका एक वो है, आत्मा स्वरूप है हमारा पुरुष, और इसीलिए पुरुष स्त्री का हमारे दर्शन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आज का आपका इतना उपयोगी रहा सर, निश्चित रूप से ये सत्र हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें लगता है हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए होंगे, श्रोता बंधु भी लाभान्वित होंगे, ये मेरी ये आशा है। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारी अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शर्मा जी, आप दिख नहीं रहे सर उद्बोधन के लिए सर। मैम वो आईपैड के नाम से है वो, और ऑडियो उनका म्यूट है, आईपैड के नाम से है। तो सर को कैसे फोन किया जाए? प्रोफेसर एस डी शर्मा सर, आवाज आ रही है हमारी? संबोधन हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओहो, जस्टिस किया ना? बिल्कुल जस्टिस किया आपने, जैसा बिल्कुल आपने उसका पालन किया पूरा। शर्मा जी कहाँ से? थोड़ा ऑनलाइन में यही एक प्रॉब्लम रहता है। अरे सर ऑडियो अनम्यूट करिए अपना। अच्छा नहीं सर, नहीं आप आईपैड पर हैं, आप आईपैड पर दिख रहे हैं। सर सामने ऑडियो ऑडियो वाली बटन को अनम्यूट करें सर, नीचे कॉर्नर में है क्या बरा नहीं दे? या एक सिंगल टच करें, हाथ से सिंगल टच करें हल्का सा। लैपटॉप पे सर आ रहे हैं आप? दिख तो नहीं रहे हैं शुक्ला जी। मैम सर हाँ लैपटॉप पे, हाँ 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 सर 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर। सर आप अनम्यूट करें सर, उसमें ऑडियो लिंक सर अभी कनेक्ट टू ऑडियो करें सर। हाँ ज्वाइन ऑडियो, जी सर जी जी। हाँ हाँ जी ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। और नहीं सर अभी ऑडियो सामने देखिए, रेड लाइन खींची है, अनम्यूट है अभी आप। अरे म्यूट है मतलब अनम्यूट करना है आपको सामने सिंबल पे सर। हाँ हाँ जी सर नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे। उसी पे टच कर दीजिए सर उस पर। नहीं नहीं सर, सर उसमें हल्का सा टच करिए तब वो दिखेगा, या माउस से है तो माउस ले सर, माउस पॉइंटर ले जाइए ऊपर। नहीं नहीं प्रयास कर रहे हैं यही सर। नहीं नहीं कहीं भी क्लिक करें सर, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करिए सर। सर पूरी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें नीचे, वो आ गया होगा आपका सिंबल। हाँ उसको क्लिक कर दीजिए सर तो वो हट जाएगा। ऑडियो माइक, माइक वाला सिंबल। हाँ जी सर उसको उसी पे करना है। नहीं नहीं अच्छा सर, सर उसमें क्लिक करें। हाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ आगे आवाज आ गई सर आपकी, अब कुछ मत करिएगा, अब कुछ नहीं करना है सर। जी 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 प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ना? मैं करता हूँ। आपकी आवाज आ रही है सर, एक घंटा हो गया था, आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा sure.
हाँ जी सॉरी मेरी गलती नहीं है, टेक्निकल गलती है सर। सर हमारी बिजली चली गई थी जी, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर प्लीज कंटिन्यू, आपका टर्न है सर, आप ही को बोलना है। यहाँ दुख धा पिन दुग्धे व कवि दो भिविरन वहम हृदिन सन्निधत्ताम सा सूक्ति धेनु सरस्वती। सुनाई पड़ रहा है जी? हाँ मैं मिडिल में नहीं आ रहा हूँ सर। आप दिख भी रहे हैं और सुनाई भी पड़ रहे हैं सर, आप कंटिन्यू आप सर प्लीज 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 सर कंटिन्यू आप रखें, एकदम ठीक है, परफेक्ट है। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आर आर तिवारी, प्रोफेसर शशि तिवारी, चीफ गेस्ट प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने, प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह एंड ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अनीता सेन गुप्ता, एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस व्हेन द होल वर्ल्ड इज अटैक्ड बाय द पॉइजनस फेटल मॉन्स्टर कोरोना, आई एम डिलाइटेड ऑन द एडवेंचरस स्टेप्स टेकन बाय द ईश्वर शरण पीजी कॉलेज एंड वाइडर एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज। एक्चुअली वेव्स इज एन रेपुटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ईश्वर शरण कॉलेज इज ए रेपुटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। द इंटरनेशनल वेबिनार is aimed at highlighting the noble role of the soul of India, that is Sanskrit literature, Sanskrit Vangmay. The Sanskrit ocean preserves in abundance the teachings and preachings embedded in it. India possesses Vedic knowledge, the great Indian philosophy, dharma shastra, artha shastra, yoga and spirituality, and last but not the least ayurveda, the Indian medical system. If the world follows the path of Vedic and Upanishadic knowledge, if and it relishes, if it relishes the nectar of yoga and Ayurveda, if it returns to the shelter of goddess nature, if it protects the treasure of nature and environment, it can save self in this crisis. So we are here to think and share our thoughts on Indian ideology, Indian lifestyle as elaborated in Sanskrit literature, Indian rituals and sanskaras, Hindu worship, sacrifices, daily routine as described in Sanskrit Shastra, mental and physical health system, all are survivors of the falling and ailing humanity. I can state that the stream of thoughts which India gives is the last ray of hope for this ailing humanity. Shri Ganesh of this webinar is splendid with the splendid inaugural session. It is the first step of the seminar on, it is actually the first fruit of our yajna of this international seminar. I hope that this webinar
will bear some sweet fruits to save us, the whole of the community, the whole of world from this Corona Kalkut. It is Corona Kalkut. I pray to the Almighty God to shower pleasures and welfare for all in the universe, as the Indian Jivan Darshan is Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashyat Dukha Bhagavate. So this was small part of my presidential speech. अध्यक्षीय उद्बोधन जो आरंभ में मुझे इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में देना था, मैंने ये भी बताया था कि मैं आपके दिए हुए विषयों में से विषय पर भी अपना वक्तव्य प्रदान करूंगा, तो वो है संस्कृत वाङ्मय में मानव एवं पर्यावरण का अंतःसंबंध, और उसी का सीधा संबंध आज की इस घातक महामारी है इससे बैठता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला, परितः आवरणोति इति पर्यावरणम्। पर्यावरण नाम लेते ही प्रकृति में जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष है, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश, जल, अग्नि, वनस्पति, मृदा, पशु पक्षी आदि सबका समावेश हो जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में और आदि वैदिक परंपरा में सारी प्रकृति में देवत्व का स्थापन किया जाता है। प्रकृति को मैं देवत्व मानकर भारतीय परंपरा में पर्यावरणीय पदार्थों का सदैव सम्मान किया गया है, उनके प्रति पूजा एवं श्रद्धा का भाव रखा गया है। ऋग्वेद में तीनों लोकों से संबंध स्थापित करते हुए कहा गया है कि द्युलोक पिता है, पृथ्वी लोक माता है, और इनके मध्य में स्थित अंतरिक्ष लोक पुत्र है। भारतीय चिंतन परंपरा में ईश्वर और प्रकृति में एकाकारता मानी गई है, अतः प्रकृति के सभी अंगों से मनुष्य प्रार्थना करता है कि जीवन के लिए उनसे मांगता है। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को देव रूप मान करके उन्हीं की प्रार्थना पर अवलंबित है। इसमें प्रार्थना ये भी है, मनुष्य के जीवन के लिए जो समग्र प्रार्थना है, मधुवाता वितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधीर्ण संतुषधि आदि, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को गाय रूप में, जैसा कि आनंद शंकर जी ने कहा था, माता के रूप में चित्रित किया गया। सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेदुहम ध्रुवेव धेनु रणस्फुरन्ति, तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है, अतः समुद्रा गिरेश्च सर्वे स्मात् जन्यन्ति सिंधव सर्वरूपा, अर्थात समुद्र, नदी, पर्वत, औषधि एवं समस्त रसों का उत्पादक परमपिता परमेश्वर ही है। उसी की कृपा से हम ये सब जीवों के लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण आज के युग का एक बहुचर्चित विषय है। पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक काल की विश्वव्यापी समस्या है। दिन दिन बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया है। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पर्यावरण की सुरक्षा और वायुमंडल की पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया गया है। आज फैला हुआ कोरोना एक विषाणु एवं विषैली वायु है, जो घातक रूप से एक दूसरे में संक्रमण फैलाती चली जाती है।
यही वायु या तो है दूषित वायु, लेकिन यही वायु यदि शुद्ध है तो औषध बनकर मनुष्य के लिए संजीवनी का काम करती है। प्रकृति और पर्यावरण के जीवनदायी तत्व का आह्वान करता हुआ ऋषि ऋग्वेद में कहता है, आव ये संबोधन कर रहा है वायु को, आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। हे वायु तुम इस दिशा में औषध ले आओ। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जरा विचार करें, और जो हमारे लिए हितकर नहीं है उसे यहां से दूर ले जाओ। तुम इस विश्व की औषध स्वरूप हो, अतः तुम ही देवताओं के दूत बन जाओ। बिल्कुल, क्या आज के युग में, इस कोरोना के युग में, इस कालकूट के युग में, संकट में, क्या हम वायुदेव से इसी तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूं कि ऋग्वेद का यह मंत्र आज के युग में सर्वाधिक प्रासंगिक है और शाश्वत है। पर्यावरण वस्तुतः एक प्रधान अंग के रूप में, पर्यावरण का प्रधान अंग है वन एवं वनस्पतियां। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वृक्षों को अपना मित्र कहा गया, वनस्पते अस्मत् सखा। ऐतरीय ब्राह्मण तथा कौशिकि ब्राह्मण में कहा गया है, प्राणो वही वनस्पति, अर्थात ये वनस्पति ये वृक्ष हमारे प्राण है, इनको प्राण की संज्ञा दी गई है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, दशपुत्र समो ध्रुवः, एक वृक्ष दस पुत्रों के समान है। ये बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण के प्रति इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। दशपुत्र समो ध्रुवः, यजुर्वेद के रुद्राध्याय में वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें शिव के शिवत्व और रुद्र के रुद्रत्व रूप से जोड़ा गया है। मानव और प्रकृति के संबंध का एक प्रमाण ऋग्वेद में और मिलता है। कहा गया है, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, अर्थात पर्वत कंदराओं और नदियों के संगम पर बुद्धिमान ऋषियों ने अपना निवास बनाया। अथर्ववेद का पृथ्वी सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, उसमें पृथ्वी को माता कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। जिस प्रकार माता पुत्र को स्वयं प्रेम से दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह से भूमाता अपना समस्त अन्न समस्त जल आदि हमें प्रदान करती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में घातक महामारियों के फैलने में चार प्रकार के प्रदूषणों को कारण बताया गया है, जो बिल्कुल आज के समय में घटित होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और काल प्रदूषण। यद्यपि ये चारों मानव मात्र के लिए जीवनदायी तत्व हैं, लेकिन कब, जब ये अपने वास्तविक रूप में रहें, अपने सही मौलिक रूप में रहें, लेकिन जब यही विषाक्त हो जाते हैं, विपरीत विकार बन जाते हैं या कोई गलत प्रदूषण पा जाते हैं, तो यही भयंकर बीमारियों को जन्म देने वाले हो जाते हैं। सूत्र स्थान 12 में चरक में बताते हैं कि किस प्रकार प्रदूषित वायु पूरे बाहर के वायुमंडल और जीव शरीर के अंदर घातक संक्रामक रोग उत्पन्न करती है। दोनों चीजें उन्होंने इसका मैंने बिल्कुल आज चरक संहिता की व्याख्या देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बीमारी का पूरा ऐसी बीमारियां भी कभी आएंगी, आ सकती हैं विश्व में,
इसकी परिकल्पना उस ऋषि को कितने दिनों पहले से थी। तो ये प्रदूषण है, अब कहां से आरंभ हुआ, जीव से आरंभ हुआ, धरती से आरंभ हुआ, कि जल से हुआ, कि वायु से हुआ, और इतना घातक हो गए। तो ये हमारे यहाँ की शास्त्रों में, ये तो हुई शास्त्र की बात। जहां तक संस्कृत काव्य में पर्यावरण चेतना या पर्यावरण चिंतन की बात है, संस्कृत कवियों की अंतर्दृष्टि इस पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारण पर बार बार गई है। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, वहीं से आरंभ कर सकते हैं हम, की दृष्टि पर्यावरण के अभिन्न अंग पक्षी, कौन, क्रौंच पक्षी, जिसको एक व्याध मार रहा था, उसके हनन पर पड़ी थी और उनके मुख से क्रोध एवं करुणा से भरी वाणी फूट पड़ी थी, मान शाद प्रतिष्ठान आदि। वही संस्कृत की आदि कविता थी, कविता का जन्म ही पर्यावरण संरक्षण से हुआ, ये भारतीय परंपरा है। आदि कवि वाल्मीकि की आदि कविता का जन्म पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण जैसे बिगाड़ा, एक निरपराध क्रौंच पक्षी को मारा, उसके प्रति क्रोध भाव की जो अभिव्यक्ति हुई, यही संस्कृत कविता का आरंभ बिंदु है। वाल्मीकि रामायण पर्यावरण के विविध तत्वों को धारण करने वाला एक सुंदर कोश है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है यज्ञ, जो विधि विधान से किए जाने पर समग्र पर्यावरण के पवित्रीकरण का एक सुंदर उपाय है। रामायण में अनेकत्र यज्ञ के वर्णन प्राप्त होते हैं। बालकांड में दशरथ के प्रसंग में यज्ञ का वर्णन इस तरह प्राप्त होता है, गीतिभिर् मधुरै स्निग्धै मंत्रावहानै यथार्थत भूतारो ददुरावाय्य हविर्भागान दिवौघ, अर्थात मधुर और मनोहर सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए, यानी यज्ञ हवन। एक ओर सामगान का मधुर संगीत, दूसरी ओर हवन का पवित्र धुआं, दोनों पर्यावरण के पोषक तत्व हैं। और भी वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थान पर यज्ञ के प्रसंग आते हैं। इस पर्यावरण के प्रसंग में गंगा, गोदावरी आदि नदियों का बड़ा महत्व है। बालकांड में राम जब गंगा के दर्शन करते हैं तो कवि उसके निर्मल स्वरूप को ही सामने रखता है। वाल्मीकि ने कितने समय पहले गंगा का जो स्वरूप बताया था, कुछ कुछ वो स्वरूप आजकल दिखाई पड़ने लगा है। कैसी गंगा, व्यपेत मल संनाताम मन निर्मल दर्शनाम, जिससे मालिन्य मलिनता कीचड़ या कुछ है ही नहीं, जो मणि की जैसे मणि तेज चमकती है वैसे निर्मल दर्शन जिसका है, ऐसी गंगा को राम ने देखा। आगे और लिखते हैं, तत्र त्रिपदगाम दिव्याम शीत तोयाम अशैवलाम ददर्श राघवो गंगाम रम्याम ऋषि निषेवता। राम ने कैसी गंगा को देखा, जो शीतल जल वाली थी और जिसमें एक काई तक नहीं रह गई थी, जल में काई रहती है लेकिन काई तक जिसमें नहीं रह गई थी, ऐसी निर्मल गंगा को राम ने देखा। इसी गंगा का आगे चल करके महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वर्णन किया, पश्यान वद्यांग विभाति गंगा भिन्न प्रवाह यमुना तरंगे, मतलब एक ओर गंगा की धवल धारा और दूसरी ओर यमुना की श्याम धारा, जो दोनों मिलती हैं, दोनों का जब तक स्पष्ट रूप से अवभास न हो, उसका दर्शन न हो, उसका पूरा आनंद न मिल जाए, तो कैसा संगम। ये संगम कुछ कुछ आज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण मिटा है। तो ऐसी गंगा ये है, ये हमारे कवियों की जो चेतना है, गोदावरी नदी हो अथवा पर्वतमाला, कवि जब वर्णन करने लगता है संपूर्ण वातावरण में फैले अनेकानेक वृक्षों एवं लताओं के नाम ऐसे गिना देता है जैसे वह कोई वनस्पति शास्त्री हो। पर्वतमाला पर प्रसिद्ध तरुमाला का वर्णन कितना मनोहर है, कितने एक साथ गिनाते हैं, दृश्यंते गिरय सौम्य फुल्लई स्तरुविरावृता सालई स्थालई तमालई च खरजूरई पनसई द्रुमई नीवारई तिनशैश्चैव पुन्नागैश्चोपशोभिता चूतैरशोकैस्तिलकैकेतकैरपि चम्पकै
पुष्प गुल्म लतो पीतई स्थई स्थई तरु विरावता इतने वृक्ष एक साथ। इसी तरह पंपा सरोवर के वर्णन में भी कवि ने विविध वृक्षों के नामों की झड़ी लगा दी। वाल्मीकि के पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है मेघ, जलवर्षी मेघ, जिन्होंने आते ही सारी पृथ्वी पर नव जीवन ला दिया है और यह जल प्यासी धरती के लिए अमृत है। कवि एक सुंदर कल्पना करता हुआ कहता है कि यह आकाश रूपी, जरा कल्पना देखिए क्या कल्पना है, कि यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर अर्थात गर्भ धारण कर 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में अब जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। कल्पना अयम सकाल संप्राप्त समयोद्य जलागम संपश्य त्वं नभो मेघै संवृतम गिरि सन्निभै। और वो परिकल्पना यह है नव मास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभि पीत्वा रसम समुद्राणाम जौ प्रसूति रसायन। ये है वाल्मीकि। रामायण की बात महाभारत में भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दृष्टिगोचर होती है। महाभारत के शांति पर्व में वृक्षों एवं पादपों में चेतना का होना स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा ये इसमें विज्ञान है, माने ये जो वृक्ष औषध है, वृक्ष वृक्षायुर्वेद विज्ञान, एक आयुर्वेद वृक्षों का भी है, उसी का एक स्वरूप है। ये महाभारत के शांति पर्व में वृक्षों एवं पादपों में चेतना के विषय में कहा गया है। वनस्पतियों का उगना एवं बढ़ाना मढ़ना मानव प्राणियों के जन्म एवं वृद्धि से कम नहीं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को वनस्पतियों से छेड़छाड़ न करने का परामर्श देते हुए कहते हैं वनस्पतिम भक्ष फलान न छिंजुर विषय तब चैत्यानाम सर्वथा त्याज्य मपि पत्रस्य पाटन। कहते हैं भीष्म देखिए जिनमें खाने योग्य फल लगते हो ऐसे वनस्पतियों को तो कभी तोड़ा और काटा ही नहीं जाना चाहिए। चैत्य वृक्षों को कभी, ये चैत्य वृक्ष कहलाते हैं, इनको कभी नहीं काटा जाना चाहिए। चैत्य वृक्षों के पत्तों को भी नहीं फाड़ना चाहिए। आज भी पर्यावरण विद हरे भरे पेड़ों को काटने का तीव्र विरोध करते हैं। यही विरोध महाभारत में मुखरित होकर सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक एक वृक्ष को, यहाँ भी वही बात कही गई है कि एक एक वृक्ष 10 पुत्र समूह, एक द्रुम 10 पुत्रों के समान है। महाभारत के शांति पर्व में हस्तिनापुर प्रवेश के समय युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों फूल मालाओं सुगंधित द्रव्यों आदि का प्रयोग किया जाता है तथा मार्ग के दोनों ओर हरियाली लगाई जाती है। इस तरह आनंदोल्लास के समय पर्यावरण को भी तदनुकूल बनाने की परंपरा तब से आज तक चली आ रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राकृतिक समृद्धि से भरी सृष्टि की अनेक चर्चा हुई है। वृंदावन में गाय चराते हुए भगवान कृष्ण अपने अग्रज बलराम से पर्यावरण के प्रधान अंग वृक्षों की मानव के प्रति परोपकारिता का बखान करते हुए कहते हैं पश्यैतान् महाभागान्, जरा हे महाभाग इन वृक्षों को देखो, परार्थई कांत जीवितान् वात वर्षा तप हिमान् सहंते वारयन्ति नः पत्र पुष्प फलत छाया मूल पल्लव दारुधि गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। देखो ये महाभाग वृक्ष केवल परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। ये आंधी तूफान वर्षा गर्मी और बर्फबारी को सहते हुए हमारी रक्षा करते हैं। और क्या देते हैं हमको, ये पत्र फूल फल छाया मूल वलकल वस्त्र लकड़ी गंध गोंद भस्म गुठली और छाल देकर हमारी कामनाएं पूरी करते हैं। वस्तुतः ये सब हमें पर्यावरण की ओर प्राप्त होने वाले, पर्यावरण से प्राप्त होने वाले उपहार हैं। इन पद्यों में आच्छादन करने के अर्थ में प्रयुक्त वारयन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्रियापद पर्यावरण शब्द के ही मूल अर्थ को प्रकट करता है। माने वारंत माने चारों ओर से ढकते। तो इस तरह से प्रकृति के सुकुमार कवि कालिदास, क्योंकि
बहुत देर के लिया नहीं जा सकता, इसलिए कालिदास के रघुवंश को लीजिए या कुमार संभव मेघदूत को लीजिए या उनका ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुंतल लीजिए या उनका विक्रमोर बचिए। सब में प्रकृति और मानव का, पर्यावरण और मानव का निरंतर साहचर्य दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जो चेतना, जो अनुभूति, जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, वही प्रकृति के अंदर, उनमें भी चेतनाएं, वो भी इसी तरह का दुख और सुख का अनुभव करते हैं। तो कालिदास के प्रसंग को मैं छोड़ता हूँ, आगे के अनेक कवियों के प्रसंग को भी छोड़ता हूँ, तो समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे का जो स्वल्प अवशिष्ट समय है इसमें थोड़े आधुनिक काल में आते हैं। तो हमने ऋग्वेद से आरंभ किया और संस्कृत वाङ्मय, वहां से लेकर आज 20वीं 21वीं शताब्दी के आज के दिन तक है और आगे भी रहेगा। आज के पर्यावरण संतुलन की गूंज आधुनिक संस्कृत काल में निरंतर सुनाई पड़ती है। अनेक पर्यावरण वेद आज पर्यावरण पर उत्पन्न संकट की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। परमाणु अस्त्रों से यह संकट और भी बढ़ गया है। आधुनिक युग के प्रतिष्ठित संस्कृत कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी एक कविता में परमाणु युग को प्रणाम करते हैं और फिर शांति पाठ मधुवर्षा स्वस्ति वाचनम च शीर्षक कविता में वेदवाणी की तरह अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक शांति की कामना करते हैं। उसका हिंदी में अर्थ है, पृथ्वी पर प्रभुत जल एवं वायु की कामना करते हुए कहते हैं कि वायु समूह माध्यिक से युक्त हो, दिल से समानिंदित हो, स्वस्थ एवं स्निग्ध लताएं गर्भ धारण करती है। पृथ्वी के धूलिकण के इन अनिष्ट उरस्थलों में सुशोभित हो माध्यिक, उरस्थल जल अग्नि एवं वायु के रूप में प्रस्तुत है। माध्वी केन युता भवन्तु मरुताम व्राता समालिंगिता यै गर्भम दतते तराम व्रततयो लोकम प्रणाम गच्छता। माध्वीकम रजसाम रस्तु पृथ्वी लोकोक्षिता नामणि यस्वेषु प्रविराजताम अधिकृताम भो वन्य वायु आत्मसु। प्रथित गीतकार हरिराम आचार्य अपनी वसुंधरा गीति में सुंदर सुखद सुमधुर पर्यावरण को चित्र करते हैं। शुभा निसर्ग सुंदरी सुंदरी सदा ममत्व निर्धरी मधुव्रता रितावरी सुमंगला मनोहरा इयं धरा वसुंधरा इयं धरा वसुंधरा भुवि प्रकाशताम नवीन चेतरा चेतना स्वयंवरा इयं धरा वसुंधरा। संस्कृत के आधुनिक क्रांतिकारी कवि हर्षदेव माधव डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के भाति में भारतम काव्य के प्रतिकाव्य भाति ते भारतम में पर्यावरण पर हुए घातक प्रहार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भारत में ईंधन पाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई, यंत्रों की वृद्धि ने ग्राम्य संवेदना का हरण कर लिया है, मार्गों के निर्माण कार्य से खेती क्षत विक्षत हो गई और यह भारत जंगली जीवों को नष्ट करने वाला घातक हो गया है। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कर सर प्लीज मूर्छिता वन्य जीवांतकम घातकम भारत। बस थोड़ा सा और। वाराणसी वासिनी संस्कृत कवयित्री डॉक्टर कमला पांडे ने अपने महाकाव्य रक्षक गंगाम द्वारा गंगा में निरंतर बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध आवाज उठाई है और सबसे गंगा की रक्षा का आह्वान किया है। काव्य के दशम सर्ग में प्रदूषण वर्णन करती हुई वे कहती हैं कि गंगा का जो जल पाप ताप शोक को नष्ट करने वाला, पुष्ट तुष्ट और मुक्त देने वाला है, उसी अमृत तुल्य जल को स्वार्थान में लोगों ने दूषित कर दिया है। पर्वता प्रश्नोत्तम स्वच्छ मत्यद्भुतम शीतलम स्फूर्तिदम यत् सुधा सोदरम तज्जलम स्वार्थ चिंता कुलैर मानवै दूषितम हाकृतम तीव्रशो विस्मय। गंगा के निर्मल जल में मल मूत्र साबुन थूक कूड़ा कचरा प्लास्टिक सिंथेटिक कल कारखानों का विषैला द्रव शव आदि फेंक कर उसे हर तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। एक ओर चमड़े की धुलाई के कारण, दूसरी ओर केमिकल्स के मिलाने से प्राण रूप जल वाली
अमृतमयी गंगा मारी जा रही है और प्रदूषणों के ढेर से भरी जा रही है। एक अतश चरमण ख्याल ने हा ख्याल ने नाहता भंशिता चापि रासा यनई रन्यता हन्यते प्राण रूपां बुदा ये हा मृता दूषणानाम निकाये विषम। इस तरह ये वृक्षों के बारे में, पर्यावरण के बारे में निरंतर आज के कवियों ने कहा है। अंत में दो लाइन की मैं अपनी ही कविता से पर्यावरण शुच पर्यावरण पर्यावरण पर इसी से मैं अंत करता हूँ। दुर्वा मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुच पर्यावरणम शुच पर्यावरणम महानगर मध्य चल धनिशम कालायस चक्रम। ये महानगर में जो चल रहा है ना चक्र, ये काले धुएं सब कुछ कालिमा का चक्र है। तो महानगर मध्य चल धनिशम कालायस चक्रम मन शोषय तनु पेशय शरीर को पीस रहा है मन को चूस रहा है। मन शोषय तनु पेशय भ्रमत सदा वक्रम दुर्दान तैर दशनई रमुना श्याम नैव जनक दसनम प्रकृति देव शरणम शुच पर्यावरण वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम नवयांत्रिक सभ्यता विधत्ते इम मृत्योर्वणम। क्या यही यांत्रिक सभ्यता है जो केवल मृत्यु के वर्ण करने के लिए आगे बढ़ रही है। नवयांत्रिक सभ्यता विधत्ते किम मृत्योर्वरणम प्रकृति रेव शरणम शुच पर्यावरणम शुच पर्यावरण शोभनम शोभनम शोभनम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की सीमा हम लोग का आबद्ध है समय की सीमा से, नहीं तो मैं आपको कभी चाहती कि और कुछ देर आप बोलिए सर। इतना पर्याप्त है, समय की सीमा हम लोगों को बुला रही है कि नहीं। अब दो सेशन हमारे पास और है अभी, तो दिल्ली ने गड़बड़ कर दिया था कि और एक दिन आपको करवा लूंगी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप सभी वक्ता यहाँ पर देवता के प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं, इसीलिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का सामर्थ्य मुझ में है नहीं, लेकिन औपचारिकता का निर्वाह हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं अब धन्यवाद ज्ञापित करने के इस अवसर पर, जब सर्वप्रथम ईश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि मैं अपने गुरु के शरण में जाकर किसी संगोष्ठी का आयोजन करूं, तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुवर्य प्रोफेसर शर्मा जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि शास्त्र में लिखा भी है अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु हमारे सामने उपस्थित है। आपने पर्यावरण और मानव का जो अंतः संबंध बताया, जिस दिन हम इस संबंध को जान लेंगे सर, उस दिन इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो विपदाएं आ रही हैं, उनसे हम निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। सर आपको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे कुलपति माननीय कुलपति महोदय अपने अमूल्य समय से कुछ क्षण निकाल कर, और कुछ क्षण नहीं, आप काफी देर तक हम लोगों के बीच में रहे और सभी के व्याख्यान को, आप प्राचार्य जी के भी व्याख्यान को बहुत मन योग से सुन रहे थे। सर मैं आपके प्रति भी, आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपके संघटक हैं, इसलिए मैं आपके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह, जिन्होंने आज बीज वक्तव्य के द्वारा सभी को ज्ञान का मार्ग दिखाया आपने। प्राचार्य जी आप निश्चित रूप से हम लोगों के पथ प्रदर्शक हैं, मैं आपके प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपने भी अपने जिस प्रकार एक मानव चेतना के बारे में बताया, समाज को एक नई मार्ग दिखाया, पुनः उस मार्ग की स्थापना की ओर आपने अपनी दृष्टि दी, सर मैं आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतार्थ हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब अंत में मेरी बड़ी बहन, जिनके साथ इस कुछ दिनों में मेरा इतना सुंदर अंतः संबंध हो गया है, जिन्होंने बार बार हमें
मेरे हर कामों में अनिता ऐसे करो ये अच्छा होगा, अनिता ये करो ये अच्छा होगा। मैंने एक सामान्य से उनसे बात कही थी, मैं आपके साथ बैठकर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी करना चाहती हूँ, आपने इतने सरलता से उसे स्वीकार कर लिया और आज उसे आप मूर्त रूप प्रदान कर रही हैं। मैं आपके प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। मैं आपके प्रति कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूँ, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस आभार व्यक्त के अवसर पर सर अंत में मैं उस असीम शक्ति को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी जिनके जिनके ज्ञान से जिनके प्रकाश से मुझे इस प्रकार के एक आयोजन करने का सामर्थ्य प्राप्त। अब कार्यक्रम इस सत्र का संपूर्णता के लिए मैं कहना चाहूंगी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इस सत्र के बाद दूसरा सत्र हमारा प्रारंभ होगा, वहां पर भी चार वक्ता हैं। मैं अब डॉक्टर अपर्णा धी फ्रॉम यूएसए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मैडम आप आइए और इस सत्र का संचालन का दायित्व मैं अब आपको सौंपती हूँ, डॉक्टर अपर्णा धी। थैंक यू मैम। Am I audible? Yeah, please continue. Thank you. Perfect. Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupen Sansthita Namastase Namastase Namo Namaha. Pranam, a very good evening to all of you. I welcome you all on behalf of Waves and as a moderator of this session. We all are here for an international webinar jointly organized by Ishwar Sharan Degree College and Wider Association for Vedic Studies. Just now we had a wonderful session, that is inaugural session, and we had very informative, vast deliberations from the learned speakers and the honorable guest, that includes Honorable VC, Vice Chancellor of Allahabad University, Professor Haridat Sharma sir, Nepal se aaye Professor Kashinath ji, aur sabse jinka beej vaktavya tha बहुत ही बढ़िया वक्तव्य था और हम लगभग उन्हीं उसके उनके वक्तव्य में